What's up everyone, welcome back to the channel. तो अब हम पढ़ने वाले हैं entrepreneurship का हमारा very first unit जो कि है enterprise marketing. 10 mark का आपके exam में आ रहा है और video को बहुत ध्यान से देखना और सारी चीजें cover करना. Let's begin. चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग बिल्कुल वेरी फर्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. देखो जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी शब्द है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है. ठीक है, एक है हमारे पास मार्केटिंग और एक है स्ट्रैटेजी. मार्केटिंग क्या होता है हमारे पास? मार्केटिंग बेसिकली होता है कि आपके प्रोडक्ट को आपने इतना पॉपुलराइज कर दिया, इतना बता दिया कि लोगों की जुबान पे सेट हो गया. आप इतने अच्छे से लोगों तक आप अपना मैसेज पहुंचा रहे हो, आप अपना लोगो पहुंचा रहे हो, आप अपना डिजाइन पहुंचा रहे हो, यही तो मार्केटिंग है, समझे. और स्ट्रैटेजी क्या है कि आप एक अच्छे प्लान के तहत सारा काम कर रहे हो, अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ रहे हो. स्ट्रैटेजी हमेशा कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ने के लिए बनाई जाती है, मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर होती है, समझे. तो अगर दोनों को जोड़ दूं तो व्हाट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक मैंने ऐसा प्लान बनाया ताकि मेरे गुड्स और सर्विसेज बहुत स्मूथली एक्सचेंज हो पाए और कस्टमर खरीद पाए. जो भी बुक आपके पास है आप आराम से साथ साथ चीजें पढ़ते रहना और एग्जामिनेशन में पॉइंट्स बना के चार्ट्स बना के लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, इसके बाद आता है मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक कि व्हाट इज अ मार्केटिंग मिक्स. एक मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? देखो कहीं पे भी ये वर्ड आए ना मिक्स, मिक्स का मतलब है हमारे पास टूल्स, एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ये चीज होती है. तो मार्केटिंग मिक्स का मतलब है कि मार्केटिंग करने के लिए कौन से टूल्स, एलिमेंट्स, डिसीजंस यूज होंगे सो दैट आप प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट कर पाओ. क्या क्या चीजें होती हैं? द टूल्स विच आर यूज्ड इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद अ पर्टिकुलर मार्केट आर नोन एज मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स में आपको ये चार पीज के बारे में पढ़ना है. फोर पीज, कौन से फोर पीज हैं? बहुत पॉपुलर हैं ये. सबसे पहले होता है प्रोडक्ट, देन वी हैव प्राइस, देन वी हैव प्लेस, एंड देन वी हैव प्रमोशन. बट अभी आजकल क्या होता है, ये तो जो फोर पीज है ना ये काफी पुराने समय से चलते आ रहे हैं. बट मॉडर्न मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो कुछ पीज और हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, पोजिशनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप प्रोडक्ट को किस पोजिशन में प्लेस कर रहे हो, पीपल, लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड पॉलिटिक्स एज वेल कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, क्या आप स्ट्रेटजीज लगा रहे हो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मॉडर्न पीस आप लिख के आ सकते हो, बट जो मेन फोर पीस हैं वो हमेशा से वही हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. जैसे ही हम ये चार पीस पढ़ लेंगे आपका पूरा का पूरा यूनिट तैयार हो जाएगा, पूरा यूनिट आपका प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम कौन से पी के साथ? वी विल स्टार्ट विद प्रोडक्ट. ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है? व्हाट इज अ प्रोडक्ट? सही है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विसेज ऑफर करता हूँ, चाहे मेरा ऑफलाइन बैच हो चाहे मेरा ऑनलाइन बैच हो, उन सर्विसेज के बदले में मुझे फीस मिलती है. तो सर्विसेज भी प्रोडक्ट में आया, जो लोग माल बेचते हैं गुड्स भी प्रोडक्ट में आ जाता है. तो प्रोडक्ट है क्या? द गुड्स, सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू बहुत जरूरी है, ऑफर्ड टू कस्टमर फॉर परचेज. ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट बोल देते हैं. साथ साथ नोट्स प्लीज बना के चलिएगा, सही है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकती है. अब जब आप बेसिकली प्रोडक्ट पे आते हो तो कुछ डिसीजंस हैं, मैं लिखते चलूंगा, कुछ डिसीजंस हैं जो रिलेटेड टू प्रोडक्ट आपको लेने पड़ते हैं. कौन कौन से डिसीजंस हैं भाई? क्वालिटी कैसी होगी, डिजाइन कैसा होगा, क्या क्या फीचर्स हम उसमें रखने वाले हैं, क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स, क्या साइज होगा, हम उसका नाम क्या रखेंगे, ब्रांड नेम क्या होगा. तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो आपको पता होने चाहिए. पैकिंग कैसी होगी, लेबल कैसा होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, अगर आपसे पूछ ले तो आपको ये सब लिख के आने. ठीक है, देन इसके बाद क्या आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्ट, जिन्हें हम प्रोडक्ट मिक्स बोलते हैं. तीन होते हैं, बी पी एल. कौन कौन से होते हैं? बी पी एल, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. पहले तीनों को मतलब समझना. What is branding? क्या खाते हो आप लोग noodles में? मैगी. हम कभी noodles नहीं बोलते, मैगी बोलते हैं, मैगी 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 मैगी.
नूडल्स क्या था? नूडल्स उसका जेनरिक नेम था, बट हम नूडल्स नहीं बोलते, हम मैगी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा ब्रांडिंग हो गई कि हमारे मन में ब्रांड नेम ही छप गया. एक्टिवा चाहिए जी, स्कूटी नहीं चाहिए, एक्टिवा चाहिए. ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया. डेरी मिल्क चाहिए, चॉकलेट नहीं, डेरी मिल्क. ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया. मैं बर्गर खाने नहीं गया, मैं मैकडॉनल्ड्स गया था. समझ रहे हो? तो ब्रांड नेम इतना पॉपुलर हो चुका है कि जेनरिक नेम को लोग भूल ही गए हैं. जेनरिक नेम होता है एक्चुअल नेम. समझ रहे हो? और ब्रांडिंग यही है कि आपने अपना नाम इतना पॉपुलराइज कर दिया कि कस्टमर के लगता है कि वही उसका असली नाम है. समझे? दिस इज ब्रांडिंग. पैकेजिंग, कि आप पैकिंग इतने अच्छे से करते हो. मेरे घर पे दो छोटे छोटे चिंटू मिंटू हैं, वो जब भी मेरे साथ बेकरी पे जाते हैं तो वो ऑरेंज कलर का कुछ ढूंढ रहे होते हैं. ऑरेंज 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 ऑरेंज. उनको चाहिए किंडर जॉय, लेकिन उन्हें नाम वाम नहीं पता, वो इतने छोटे हैं. बट पैकिंग इतनी अट्रैक्टिव है. आपके घर में भी ऐसे बच्चे होंगे, मुझे बताना. उन्हें पैकिंग इतनी अच्छी लगती है कि उन्हें वही चाहिए. तो पैकिंग के ये एडवांटेजेस होते हैं. लेबलिंग, लेबल होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन देने के लिए. लेबल किस लिए होता है? इंफॉर्मेशन. आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाओ. मैंने अभी एक प्रोडक्ट मंगाया, ये पोर्ट मंगाया. इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये सी कनेक्ट है, यूएसबी सी मल्टी पोर्ट अडैप्टर है, इसके क्या क्या चीजें हैं, इसमें 1 ईयर वारंटी है, इसके क्या कहां से क्या ब्रांड नेम है, क्या मॉडल आईडी है, क्या कलर है, ये सब है ना. ये लेबल है. ये जो बॉक्स है, ये इसकी पैकिंग है, कैसी कलरफुल है, क्या ये पैकिंग है. तो इंफॉर्मेशन लेबल पे होती है. सेफ्टी के लिए पैकिंग होती है. और पहचान जो बाजार में होती है वो ब्रांडिंग होती है. समझ गए? चलो, अब ब्रांडिंग में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आपका लोगो और एक आपकी टैगलाइन. लोगो और टैगलाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. किसके अंदर? ब्रांडिंग के अंदर बेसिकली. ठीक है सर, लोगो और टैगलाइन क्या है? लोगो आपका सिंबल क्या है, है ना? बर्गर किंग का पता है ना, वो बर्गर है ना. मैकडॉनल्ड्स का पता है, वो रेड कलर का, वो जोकर नहीं, पता नहीं क्या है वो, जो भी है. मेरा कोई पर्पज़ नहीं है किसी की सेंटिमेंट हर्ट करने का. अगर आपको मैकडॉनल्ड्स बहुत अच्छा लगता है, बट वो बाहर बैठे रहते हैं ना, बिठा के रखते हैं क्लाउन को, वो मैकडॉनल्ड्स. ठीक है, उसके अलावा इसी तरीके से उनके लोगोज होते हैं, अलग 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 लोगोज होते हैं. सिमिलरली टैगलाइंस होती हैं. टैगलाइंस क्या? जो कंपनी ये चाहती है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है वो बताना चाहते हैं, है ना. तो वो उनकी टैगलाइंस होती है. सब ब्रांडिंग में आता है. ओके, अब इस पे कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं? सबसे पहले, जेनरिक और ब्रांड नेम में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बता दिया, जेनरिक नेम क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल नाम, जैसे कि नूडल्स, ठीक है, जैसे कि स्कूटी. और ब्रांड नेम क्या है? मैगी, एक्टिवा, वो ब्रांड नेम्स हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांड नेम. ब्रांड नेम वो है जिससे आपने उसको पॉपुलराइज करा है, और जेनरिक नेम वो है जो एक्चुअल में है. हाँ या ना? सही है. कार ले लो, कार एक जेनरिक नेम है. अब ऑडी है, BMW है, i20 है, क्रेटा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये सब उनके ब्रांड नेम्स हैं. सही हो गया? अच्छा जी, अब ब्रांड नेम से रिलेटेड तीन चीजें होती हैं, या ब्रांड से रिलेटेड या ब्रांडिंग से मिलती जुलती तीन टर्म्स हैं जो आपके पास होती हैं. सबसे पहले ब्रांड नेम क्या है जी? मैंने आपको बता ही दिया, जिस नाम से आपने पॉपुलराइज करा. ब्रांड मार्क क्या होता है? ब्रांड मार्क होता है कि आप लोगों ने जिस सिंबल को अपना, जो डिजाइन जो आप लोगों ने डिसाइड करा कि इस चीज से भी लोग हमें पहचाने, दैट इज योर ब्रांड मार्क. सही. और जब आप उसको पेटेंट करा लेते हो अपने नाम पे, उसका राइट्स ले लेते हो, तो उसको बोल देते हैं आपका ट्रेडमार्क, कि आप ट्रेडिंग भी इसी नाम से करोगे. तो बेसिकली ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ये तीन चीजें मिलती जुलती होती हैं. देन वी हैव क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम. एक अच्छी ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम? देखो, सिंपल होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए. सिंपल हो, इजी टू प्रोनाउंस हो, शॉर्ट हो, सजेस्टिव हो. आपको सजेस्ट करेगी इसका क्या मतलब है, हजमोला, हजम हो जाएगा सारी चीजें हजमोला खाओगे तो, है ना. तो इस तरीके की टाइड एकदम क्लीन करेगा, राइट. तो सिंपल, इजी टू प्रोनाउंस, शॉर्ट, सजेस्टिव, राइट. कोई ऐसा ना हो जिसका किसी और लैंग्वेज में गलत मीनिंग आता हो, तो वो इस तरीके की चीजें भी आपको चेक करनी है. तो दैट शुड बी द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम. ठीक है, देन ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना, सावधान इंडिया सवाल. हाउ कंपनीज चूज ब्रांड नेम्स? कंपनी कितने प्रकार के ब्रांड नेम चूज करती हैं, या किस प्रकार से करती हैं? देखो, अलग 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 प्रकार के ब्रांड नेम्स होते हैं. जैसे कि सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, इंडिविजुअल ब्रांड नेम आ रहा है.
इंडिविजुअल ब्रांड नेम का मतलब क्या है कि कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग ब्रांड के नाम से निकालती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लो कि लक्स सोप आ गया, या कोई और सोप आ गया, या कोई शैम्पू आ गया, हेड एंड शोल्डर, अलग 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 नाम है, ठीक है। तो वो होते हैं इंडिविजुअल ब्रांड नेम। आपने हर प्रोडक्ट की अलग 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 ब्रांडिंग करी, उसको क्या बोला जाता है हम लोग, इंडिविजुअल ब्रांड नेम, ठीक हो गया। अब एक होता है फैमिली ब्रांड नेम। एक क्या होता है फैमिली ब्रांड नेम, कि आपने एक ही नाम की ब्रांडिंग कर दी, फिर उसी में अलग अलग प्रोडक्ट निकाले, मैगी नूडल्स, मैगी मसाला, मैगी केचप, सब एक ही जैसा नहीं, एक ही नाम पे निकाला या नहीं निकाला, इसको क्या बोलते हैं फैमिली ब्रांड नेम। क्या बोला जाता है फैमिली ब्रांड नेम। तो इंडिविजुअल ब्रांड नेम और फैमिली ब्रांड नेम। उसके बाद क्या होते हैं जी हमारे पास, नंबर थ्री, तीसरे होते हैं हमारे पास कॉर्पोरेट नेम्स। कॉर्पोरेट नेम्स क्या होते हैं, जो अपनी कंपनी के नाम्स के साथ बनाते हैं, जैसे टाटा है ना, जैसे गोदरेज, जैसे महिंद्रा, कंपनी के नाम से उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करी हुई है। रतन टाटा ने टाटा सारा चलाया हुआ है, आनंद महिंद्रा ने महिंद्रा चलाया हुआ है, समझ रहे हो। इस तरीके से जब लोग अपने खुद की कंपनी के नाम की ब्रांडिंग कर देते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉर्पोरेट नेम्स, उनको हम क्या बोलते हैं कॉर्पोरेट नेम्स। और अल्फा न्यूमेरिक क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक होते हैं जिसमें वर्ड्स भी हों और जिसके अंदर नंबर्स भी हों, है ना। गाड़ी है i20, सही हो गया या नहीं हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया i20। टैबलेट आती है lif52 लीवर के लिए, सही हो गया। अब SX4 गाड़ियों के मॉडल्स आते हैं इस प्रकार से, SX2, राइट। तो ये होते हैं अल्फा न्यूमेरिक नेम्स जिसमें आप इस तरीके से ब्रांडिंग करते हो। तो चार चीजें हो गई, इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गया, कॉर्पोरेट हो गया और अल्फा न्यूमेरिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है यहां से वो आता है कि व्हाट इज एक्चुअली लोगो। लोगो एक ग्राफिक वर्क है या एक मार्क है या एक साइन है जो आपको बताता है कि ये भी उसी प्रोडक्ट की चीज है, मतलब इंसान लोगो देख के पहचान जाता है कि ये पर्टिकुलर चीज है। तो लोगो क्या है, एक ग्राफिक वर्क है जो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। इसका क्या पर्पज है, लोगो क्यों बनाते हैं लोग, व्हाई लोगो इज प्रिपेयर्ड। अब देखो इसके बहुत सारे पर्पज हैं, तो चार पांच पर्पज मैं आपको बता रहा हूँ सो दैट आपकी पूरी हेल्प हो पाए। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, लोगों से आप मार्केटिंग करते हो, आप उसको इतना ज्यादा दिखाते हो, इतना ज्यादा दिखाते हो, इतना ज्यादा दिखाते हो कि लोगों के माइंड में सेट हो जाता है, लोगों के माइंड में लोगो सेट हो जाता है, समझ गए। तो सबसे पहला पर्पज होता है इसका मार्केटिंग। दूसरा पर्पज क्या होता है, बेसिकली आइडेंटिटी, आपकी पहचान उस लोगों से होने लगती है, लोग आपको पहचानते हैं उस चीज से, ठीक है। तीसरा क्या है जी हमारे पास, एक की विजुअल कंपोनेंट बन जाता है आपके ब्रांड का कि लोग देखते ही आपको पहचाने, सही। आपको कॉम्पिटिटिव एज मिलता है लोगों से, आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकते हो, उसने बड़ा बड़ा नाम रखा हुआ है, आपने एक लोगो बना दिया छोटा सा, तो आपको एज मिलता है, फायदा मिलता है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, दैट इज व्हाई लोगो इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टैगलाइन। व्हाट इज टैगलाइन, टैगलाइन क्या होता है, टैगलाइन होता है बेटा सिंपल पावरफुल मैसेज जो कोई ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करना चाहता है। जैसे घड़ी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो क्या है, वो उनका टैगलाइन है, वो उनका क्या है, वो उनका टैगलाइन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, रसना, आई लव यू रसना, है ना। ये बहुत सारे टैगलाइंस होते हैं जिससे बेसिकली कंपनीज क्या चाहती हैं, कंपनीज अपनी मैसेज बताना चाहते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं, क्या हमारा एम है, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा गोल है। ये किसके थ्रू बताती हैं, टैगलाइन के थ्रू बताती हैं, मैकडॉनल्ड्स आई एम लविंग इट। इसके अलावा आप कौन कौन से टैगलाइंस जानते हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये हमारा प्रोडक्ट का पहला पार्ट ब्रांडिंग हो जाता है समाप्त। समझ में आया, ब्रांडिंग पूरा क्लियर होता है। अब आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है सर, मैंने पैकेजिंग में नीचे ही लिखा हुआ है, व्हाट इज बेसिकली पैकिंग। पैकेजिंग में सीधी सी बात होती है, पैकेजिंग का पर्पज होता है टू ऑफर प्रोटेक्शन टू योर प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारी डस्ट है, बहुत सारी सन है, वाटर है, मतलब रेन है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए उसको रैप करके पैक करके भेजते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग या फिर पैकेजिंग। तो बेसिकली पैकेजिंग ये होता है, सही है।
अब पैकेजिंग में ये होता है बेटा कि why it is important. लेवल्स पढ़ने से पहले ना हम लोग ये जानना चाहते हैं कि why packing is important. What is the importance of packaging? तो importance क्या होता है हमारे पास, एक तो identification होता है, product की पहचान होती है, अपनी packing से पहचाना जाता है. जैसे मैंने बताया ना किंडर जो है वो ऑरेंज कलर की पैकिंग याद है बच्चे को. आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो इसके थ्रू, आप अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है. उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को इजीली हैंडल कर सकते हैं, हैंडलिंग आसान हो जाती है. आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो दूसरे प्रोडक्ट से, डिफरेंशिएशन हो सकता है. तो इस प्रकार के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं या इंपॉर्टेंस हो सकती है पैकेजिंग की, ठीक है. सर कितने प्रकार की पैकेजिंग होती है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैकेजिंग? तो पैकेजिंग होती है बेटा तीन प्रकार की, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन. प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन. सर प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? व्हाट इज प्राइमरी पैकिंग, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? बहुत सिंपल, वो पैकिंग जो प्रोडक्ट के साथ तब तक रहेगी जब तक प्रोडक्ट जीवित है. मतलब जैसे अगर आप टूथपेस्ट लेके आओ तो एक ट्यूब के अंदर होता है, वो ट्यूब तब तक रहेगी जब तक आप उस टूथपेस्ट को खत्म नहीं करोगे. वो कौन सी पैकिंग है? प्राइमरी. उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी होता है जिसके अंदर वो ट्यूब होती है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए. वो कौन सी है? सेकेंडरी. अगर आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना है, कहीं भेजना है, तो वो बड़े 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 बॉक्सेस में जाएंगी, पैक होगी कई सारी. वो कौन सी है? ट्रांसपोर्टेशन. तो बेसिकली प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्ट के साथ रहती है हमेशा जब तक प्रोडक्ट चल रहा है. सेकेंडरी फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है, एंड ट्रांसपोर्टेशन जब आप कैरी करते हो, दूर लेके जाते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग की जरूरत पड़ती है. यूजुअली आपको ये दो देखने को मिलती है, ठीक हो गया. आप परफ्यूम की बॉटल लेके आओ, बॉटल होगी ना हमेशा उसके साथ, वो प्राइमरी है. उसके बाद जो उसके ऊपर कार्डबोर्ड बॉक्स होगा वो सेकेंडरी है, समझे. और फिर कहीं कैरी करोगे तो कैरी बैग या बॉक्सेस, वो सब ट्रांसपोर्टेशन. ओके, तो कितने लेवल्स ऑफ पैकिंग होते हैं? There are three levels of packing. उसके बाद हमारे पास आ जाता है what is labeling. Labeling क्या होता है? तो labeling में basically बेटा जी आपको product की जानकारी देनी है, product के बारे में बताना है कि product की क्या information है, क्या content है. कई बार warning दी होती है, cigarettes पे लिखा होता है ना smoking is injurious to health, तो वो सारी चीज़ें हैं, वो सब labeling पे आता है. सही है, प्रोडक्ट की जानकारी देना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, MFG, एक्सपायरी, कंटेंट, ये सब किसके अंदर आ जाता है? हमारा लेबलिंग के अंदर आ जाता है. अब लेबलिंग में भी आप ये सारे काम कर सकते हो यूजुअली जो पैकिंग से होते हैं. आइडेंटिफिकेशन होता है लेबल से, मार्केटिंग भी होती है, प्रोटेक्शन तो नहीं होता खैर, हैंडलिंग भी नहीं होता, डिफरेंशिएशन होता है. तो कुछ चीज़ें जो पैकिंग हेल्प करता है वही लेबलिंग भी मदद करता है, ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आपको आना चाहिए, विच इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, आइए अब इनको डिस्कस करते हैं. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली लीगल राइट्स हैं जिसमें आप अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि कोई और उसका कॉपी ना करे. ये कैसे मिलते हैं? फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ बनाई तो आप उसको वेबसाइट पे जाके, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है. फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई मेरी ब्रांड का नाम है, वो ब्रांड बस मैं ही यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं उसको क्या करा सकता हूँ? मैं अपने नाम से उसको, अगर कोई साइन है तो मैं ट्रेडमार्क करा सकता हूँ, अगर मेरा कोई वर्ड है तो उसको मैं वर्ड मार्क करा सकता हूँ. तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो मैं ही यूज़ करूँगा और कोई यूज़ नहीं कर पाएगा. तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके आइडिया को, आपके प्रोडक्ट को, आपके नाम को, आपके माइंड से जो आपने चीज़ बनाई है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो चोरी ना हो जाए. इसमें कितनी चीज़ें आती हैं? सबसे पहले आता है पेटेंट. सबसे पहले क्या आता है? पेटेंट. पेटेंट किस चीज़ का होता है? सर देखो पेटेंट ना बेसिकली आपको बताता है कि आपने कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाया, आपने कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ बनाई, कोई आर्ट वर्क है आपका, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने अपने हाथ से डिज़ाइन करी है, वो सारा का सारा क्या किस में आ जाता है? हमारे पास पेटेंट्स में आ जाता है. तो पेटेंट में आपके पास क्या क्या हो जाता है? कोई आर्ट, कोई मशीन, कोई आर्टिकल, कोई फॉर्मूला, ये सब पेटेंट्स में आते हैं. कॉपीराइट्स यूजुअली क्या होते हैं? कॉपीराइट यूजुअली किताबों पे कॉपीराइट लिखा होता है ना, तो कॉपीराइट यूजुअली रिटन या आर्टिस्टिक या बुक्स, लिटरेचर, इस तरीके की चीज़ों पे कॉपीराइट्स होते हैं, ठीक है. उसके बाद डिज़ाइंस. डिज़ाइंस तो आप सब जानते हो, कोई 3D डिज़ाइन है, कोई 2D डिज़ाइन है, आपने डिज़ाइन करा है वो. ट्रेडमार्क बेसिकली सिम्बल्स को प्रोटेक्ट करता है, साइंस को प्रोटेक्ट करता है.
ट्रेड सीक्रेट्स, सीक्रेट्स होते हैं कोई बिजनेस करने के तरीके, कुछ सीक्रेट्स, कोई ऐसी चीज़ें जो आप अभी नहीं शेयर करना चाहते, वो ट्रेड सीक्रेट्स में आ जाता है। ये सब हम क्या करा सकते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको बना सकते हैं। तो अब जल्दी से इसमें 4 P's में सेकंड P यानी कि प्राइस के साथ। तो देखो यार, प्राइस इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस से रिलेटेड क्या चीज़ें बन सकती हैं, प्राइस मीन्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। आपका जो भी गुड या सर्विस है, आपने जो भी बनाया है, उसकी आप कस्टमर से क्या वैल्यू लेना चाहते हो, क्या आप पैसा लेना चाहते हो, वो प्राइस होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब प्राइस से रिलेटेड क्या क्या डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, देखो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है वो ये होता है कि प्राइस सेट कैसे होगा, प्राइस कैसे सेट होगा। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है कि सबसे पहले कॉस्ट मेरा कितना आया है, दूसरा मार्केट में कॉम्पिटिटर किस रेट से बेच रहा है, क्या मैं अकेला सेलर हूँ या उसके और भी सेलर्स हैं, हम लोग को अपनी मार्केटिंग पे कितना खर्चा करना है, हम कौन सा चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, यानी क्या मैं खुद बेचता हूँ प्रोडक्ट को या बीच में एक होलसेलर है या बीच में एक होलसेलर रिटेलर है। मतलब इस प्रकार से ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं प्राइस सेट करते टाइम, ठीक है। अब अलग अलग प्राइस सेट करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो लोग अपनाते हैं, तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है जो आपको ध्यान से देखनी चाहिए। सावधान इंडिया सवाल, कितने प्रकार की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज अडॉप्ट करती हैं। सबसे पहली होती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये काफ़ी बेसिक स्ट्रैटेजी रहती है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी बस कॉस्ट कवर हो जाए, बस खर्चा निकल जाएगी। अगर मेरा प्रोडक्ट 100 रुपये का बनाए तो मैं 101 पार कर लूँ, बस इतना कमा लूँ कि खर्चे निकल जाए, मैं सर्वाइव कर पाऊँ, मेरी कंपनी ना डूबे। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग एक बेसिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है जो कोई भी कंपनी इनिशियल फेसेस में शुरू करती है, सो दैट उनकी कंपनी चलती रहे, डूबे ना। अब इसके कॉस्ट प्लस के ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते होंगे, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते होंगे, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता देता हूँ, दो तीन, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए, क्या एडवांटेजेस होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये होता है सीधा सीधा कि आपका जो कॉस्ट है वो कवर हो जाता है इसमें से। सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है कि आपका कॉस्ट कवर हो जाता है, सारा का सारा आपको मार्जिन मिल जाता है ठीक ठाक। दूसरा जो इसके अंदर होता है, प्राइस सेट करने का ये सिंपलेस्ट मेथड है, कोई इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं है, कोई आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं चाहिए, सबसे सिंपल सा मेथड है, आप प्राइस खुद से सेट कर सकते हो। तीसरा इसके अंदर आता है बेटा जी, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए होता, बहुत रिसर्च नहीं करनी करती, आपके पास डेटा अवेलेबल होता है, यानी अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा रहता है, तो प्राइस सेट करना काफ़ी आसान होता है। आपको पता है कि कितना खर्चा आया, आपको बहुत मार्केट रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी प्राइस सेट करने के लिए। तो इस प्रकार के आप इसके एडवांटेजेस लिख सकते हो। डिसएडवांटेजेस क्या है, पहली बात कि ये किसी भी प्रकार की फ्यूचर डिमांड को या फ्यूचर एनालिसिस को कवर नहीं करता, क्योंकि आपने कोई स्टडी तो करी नहीं, तो पता नहीं भविष्य में कितनी डिमांड होने वाली है, भविष्य में इन्फ्लेशन कितना होने वाला है, कुछ नहीं पता, आपने तो बस अपने खर्चे के हिसाब से निकाल लिया, तो फिर कैसे आप प्राइस सेट कर सकते हो, फ्यूचर में कैसे सर्वाइव करोगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप फ्यूचर की डिमांड को कंसिडर नहीं करते। दूसरी बात, ये कॉम्पिटिटर के एक्शन को भी कंसिडर नहीं करता, कॉम्पिटिटर्स कैसे प्राइस रखेंगे, क्या उनके एक्शंस होंगे, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज हैं, हम इसमें वो भी नहीं देखते, हम बस अपनी कॉस्ट देखते हैं, तो भाई कॉम्पिटिटर तो आगे निकल जाएगा ना, ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देन वी हैव कौन सा वाला, पेनीट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। कौन सा होता है, पेनीट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। पेनीट्रेट करने का मतलब कम रखना, पेनीट्रेट करने का मतलब प्राइस लो रखना, यानी यूजुअली जब कंपनी नया नया एंटर करती है मार्केट में और वो चाहती है कि हम मार्केट कैप्चर करें, हम बाजार में रूल करें, शुरू में हमें कोई नहीं जानता तो हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, तो शुरू में क्या करा जाता है, कॉस्ट कम रखा जाता है, फिर धीरे 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 बढ़ा देते हैं। क्या जियो ने ऐसे ही करा था, पहले फ्री, फिर धीरे धीरे बढ़ाया, अब और बढ़ाया, फिर और बढ़ा दिया। तो उन्होंने कौन सा पॉलिसी यूज करा, पेनिट्रेशन, पहले मार्केट कैप्चर कर लिया, कस्टमर ले लिए बहुत सारे, कस्टमर लेने के बाद फिर उन्होंने लो से प्राइस धीरे 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 बढ़ाना शुरू कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, पहले इसके फटाफट से एडवांटेजेस देखो, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो, मार्केट कैप्चर,
आप मार्केट कैप्चर कर सकते हो इसके अंदर सबसे जल्दी। दूसरी चीज होती है आप अपनी गुडविल क्रिएट कर सकते हो, आप अपना गुडविल बड़े अच्छे से अपनी गुडविल रेपुटेशन जनरेट कर सकते हो बाजार के अंदर। इसके बाद तीसरी चीज इसके अंदर होती है कि आप लोग बड़े ध्यान से कॉम्पिटिटर को पछाड़ सकते हो, कॉम्पिटिटर से कंपीट कर सकते हो, एंट्री नहीं होगी नए कॉम्पिटिटर की, आप इतना इजीली सारी चीजें कर लोगे। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो आपके प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत लो रहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत लो रहते हैं। दूसरी बात, आप कस्टमर का ना एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हो कि ये तो यार सस्ता ही देंगे सामान, तो आप फिर एक्सपेक्टेशन तोड़ते हो, फिर लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट खराब होता है, तो ये इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है जी। तीसरी होती है हमारे पास क्रीमिंग या स्किमिंग, क्रीमिंग या फिर स्किमिंग प्राइस पॉलिसी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर प्राइजेस को हाई रखा जाता है, महंगा, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स हैं, ये स्किमिंग रखते हैं, ठीक है, या क्रीमिंग रखते हैं, इसमें ये प्राइजेस हाई रखते हैं। प्राइस हाई क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनकी गुडविल ज़बरदस्त है और ये इनका पता है कि इनका टारगेट ऑडियंस कौन सी है, टारगेट मार्केट कौन सी है, ये उन्हें कैप्चर करते हैं। तो इस सिनेरियो में इन्हें क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या एडवांटेज होते हैं, इसमें प्राइस हाई रखना है क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज नंबर वन, फर्स्ट एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है कि ये अपने कॉस्ट बहुत जल्दी कवर करते हैं, कॉस्ट कवरेज और मार्जिन इनके लिमिटेड कस्टमर में ही पूरे हो जाते हैं। अगर इनके पास थोड़े बहुत कस्टमर भी है ना, तो इन्होंने प्राइस ऑलरेडी इतना हाई रखा हुआ है कि इनके टारगेट्स फटाफट पूरे हो जाते हैं। तो कॉस्ट कवरेज इनका जो है वो लिमिटेड कस्टमर्स के साथ ही हो जाता है। उसके साथ साथ अगर आप क्वालिटी पे फोकस करते हो, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जो क्वालिटी पे फोकस करते हैं तो वो महंगा भी माल बेच सकते हैं अपना। इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं बेटा जी, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, पहली बात आपका कॉम्पिटिटर कई बार लोअर प्राइस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर सेगमेंट होते हैं, कॉम्पिटिटर का प्राइस, बहुत सारे ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग क्वालिटी क्वांटिटी देखते नहीं है, लोग बोलते हैं सस्ता कहाँ मिलेगा, क्वालिटी को छोड़ो सस्ता देखना है, तो कई बार आपका कॉम्पिटिटर आपको पीछे छोड़ देता है चीज़ें सस्ती देखकर। उसके बाद क्या होता है, कई बार ये होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, सरकारी रेगुलेशंस होती हैं, जिसके तहत आप बहुत हाई प्राइस नहीं रख सकते, तो वहाँ पे ये पॉलिसी फेल हो जाती है, ये प्रॉब्लम इसके अंदर आती हैं। देन वी हैव कौन सा वाला, देन वी हैव लास्ट, वेरिएबल प्राइसिंग पॉलिसी, ये तो नाम में ही है, वेरिएबल प्राइसिंग। देखो कॉस्ट प्लस में क्या था, बस कॉस्ट जितना निकाल लो, पेनिट्रेशन लो रखना, स्किमिंग हाई रखना, ठीक है। और वेरिएबल प्राइसिंग में क्या होता है, वेरिएबल में समय के साथ प्लस माइनस करते रहना, यानी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट कैप्चर हो चुका है, अच्छा है, तो आप बढ़ा दो, शुरू में आप सस्ता रख लो, फिर धीरे 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 बढ़ा दो, या शुरू में आप महंगा रख दो, फिर जब आप नया लॉन्च करोगे पुराना सस्ता कर दो, फिर दूसरे वाले का प्राइस हो जाएगा, फिर जब नया लॉन्च करोगे तो पुराना वाला सस्ता हो जाएगा, नया वाला महंगा निकल जाएगा। तो इस प्रकार से वेरिएबल प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो आपके पास चलती है, ठीक है जी। वेरिएबल प्राइसिंग पॉलिसी इसी तरीके से काम करती है। वेरिएबल प्राइसिंग पॉलिसी के क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, आप इसमें प्रॉफिट अर्निंग बढ़िया कर सकते हो, आप अपने मार्जिन्स जो हैं, मार्जिन्स मतलब आपका जो भी टारगेट्स हैं आप वो कवर कर सकते हो। इसके साथ आपकी जो गुडविल है आप वो भी जनरेट कर सकते हो कि हाँ ठीक है यार, एक बढ़िया कंपनी है, सस्ता भी देती है महंगी भी देती है, आप उस तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, डिसएडवांटेज ये हैं कि कई बार कस्टमर डिससैटिस्फाई हो जाता है, कस्टमर डिससैटिस्फाई हो जाता है कि यार मुझे तो महंगा मिला, अब सस्ता हो गया, है ना। कस्टमर आप फिर रिटेन नहीं कर पाते, आपका कस्टमर डिससैटिस्फाई होगा तो परेशान होगा। और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉलिसी के या इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के, इसका एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि अगर आप बार बार ऊपर नीचे करोगे तो कस्टमर का ट्रस्ट नहीं बनेगा आपके ऊपर, ट्रस्ट ब्रेक होगा, तो ये भी एक इसके अंदर डिसएडवांटेज आता है। तो ये आपको सारा का सारा किस में पढ़ना है, ये सारा का सारा आपको पढ़ना है प्राइस में। तो प्रोडक्ट हमने पढ़ा, प्राइस हमने पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेस। व्हाट इज द प्लेस,
प्लेस इज बेसिकली जहाँ पे सामान मिल रहा है, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जहाँ पे आके मिल रहे हैं वो प्लेस है ना, पॉइंट ऑफ सेल, इसी को हम प्लेस बोलते हैं। अब प्लेस में क्या सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, वो आते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो, अगर मैं एक कंप्यूटर बनाता हूँ तो वो कंप्यूटर कैसे बिक रहा है, क्या मैं खुद बेच रहा हूँ या मेरा एजेंट बेच रहा है या होलसेलर रिटेलर फिर मार्केट में पहुंच रहा है, तो उन्हें हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन के बीच में चैनल्स होते हैं, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन के बीच में चैनल्स होते हैं। चैनल्स कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चैनल्स आर देयर। देखो चैनल्स होते हैं सबसे पहले जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब जो प्रोड्यूसर है वही डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है, इसको हम बोलते हैं जीरो लेवल। बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं है, जीरो लेवल। फिर होता है वन लेवल। वन लेवल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ने एजेंट या होलसेलर को बेचा और उसने कस्टमर को दे दिया। फिर होता है टू लेवल। टू लेवल में क्या होता है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर और रिटेलर के बाद कस्टमर। और फिर होता है थ्री लेवल। थ्री लेवल में क्या होता है, प्रोड्यूसर, फिर होलसेलर, फिर एजेंट, फिर रिटेलर और फिर कस्टमर। यानी बेसिकली कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में कितने लोग हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं। वन लेवल में एक है, टू लेवल में दो है, थ्री लेवल में तीन है। अब ये जो वन टू थ्री है ना, इनको हम इनडायरेक्ट चैनल्स बोलते हैं, इनडायरेक्ट चैनल्स। और जीरो को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट चैनल, डायरेक्ट चैनल। तो याद रखना, जीरो लेवल को डायरेक्ट चैनल बोलते हैं, वन टू थ्री को इनडायरेक्ट चैनल्स बोलते हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे डायरेक्ट यूज होगा, कहाँ पे इनडायरेक्ट यूज होगा, कहाँ पे कम लोग, कहाँ पे ज्यादा लोग। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर कुछ फैक्टर्स हैं जिन बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है प्रोडक्ट किस तरीके का है। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है कि प्रोडक्ट किस तरीके का है, किस प्रकार का प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में जो आपको सबसे पहले देखना है वो आपको देखना है कि यूनिट वैल्यू कैसा है, नंबर वन। सबसे पहले लिखते रहना साथ साथ, नंबर वन पे क्या लिखना है कि यूनिट वैल्यू कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज एक्सपेंसिव है, यूनिट वैल्यू में कोई चीज अगर एक्सपेंसिव है तो ऑलरेडी एक्सपेंसिव है तो उसके अंदर शॉर्टर चैनल्स होने चाहिए। ज्यादा लोगों को इंक्लूड मत करो क्योंकि ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है, अब तुम और लोगों को जोड़ोगे तो वो भी अपना मार्जिन जोड़ेंगे, होलसेलर रिटेलर वो सब अपना मार्जिन जोड़ेंगे तो प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंसिव चीजों में शॉर्टर चैनल्स और चीप चीजों में, सस्ती चीजों में आप बड़े चैनल्स रख सकते हो चीप। तो यहां पे शॉर्टर चैनल्स और यहां पे आप बड़े चैनल्स रख सकते हो। यूनिट वैल्यू प्रोडक्ट में सबसे पहली चीज आती है, सही हो गया जी, ओके हो गया। देन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड क्या होते हैं, जिनका ऑलरेडी एक मार्केट बना हुआ है, एक स्टैंडर्ड है मार्केट में, वो बिकना ही बिकना है, काफी दूर दूर तक पहुंचना है ना, वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर चुके हैं, है ना। मिल्टन की वाटर बॉटल ले लो, आप अगर कभी भी चाय की केतली लेने के लिए जाओगे तो लोग मिल्टन प्रेफर करते हैं, सेलो प्रेफर करते हैं, यही प्रेफर करते हैं, ज्यादातर लोगों के माइंड में यही होता है। तो उनका ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड सेट है तो वो लोग यूजुअली सब जगह बेचते हैं कि चलो होलसेलर भी ले लो, रिटेलर भी ले लो, एजेंट भी ले लो, बेचो बस बेचो। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए ना कस्टमर को बहुत सारी जानकारी नहीं देनी पड़ती, कस्टमर के माइंड में ऑलरेडी चीजें सेट होती है। तो वहां पे चल सकते हैं लॉन्गर चैनल्स, लॉन्ग चैनल्स चल सकते हैं। लेकिन अगर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट हो, स्टैंडर्डाइज्ड ना हो, कैसा हो, कस्टमाइज्ड हो, कस्टमाइज्ड मतलब आपने कस्टमर के अनुसार बनाया है, तो आपने बनाया तो आप ही दोगे ना, वहां पे शॉर्टर चैनल चलता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड में लॉन्गर चैनल्स, कस्टमाइज्ड में शॉर्टर चैनल्स, ठीक है। पेरिशेबिलिटी भी देखनी पड़ती है। पेरिशेबिलिटी क्या होती है जी, पेरिशेबिलिटी होता है कि सामान पेरिशेबल तो नहीं है, खराब होने वाला तो नहीं है। तो अगर जल्दी खराब होने वाला है तो शॉर्टर चैनल, दूध बेच रहे हो, बिल पहले होलसेलर को दे दिया, फिर रिटेलर को दे दिया, फिर कस्टमर को, भाई इतना लंबा चैनल, दूध वैसे ही खराब हो जाएगा। तो अगर पेरिशेबल आइटम है, जल्दी खराब होने वाली है, तो चैनल शॉर्ट होना चाहिए। पेरिशेबल नहीं है तो लॉन्ग चैनल भी चलेगा, सही है। तो प्रोडक्ट में आपको इस तरीके की चीजें देखनी होती हैं, सही हो गया। अब मार्केट में क्या होता है जी, मार्केट में सबसे पहले बायर्स कितने हैं,
अगर बायर्स बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा मार्केट है, तो फिर आपको सब जगह अकेले तो नहीं पहुंचा पाओगे, आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरर तो खुद हो आप, लेकिन होलसेलर रिटेलर यही तो दूर दूर तक पहुंचाएंगे। तो अगर बायर बहुत सारे हैं तो गो फॉर लॉन्गर चैनल्स, बहुत सारे नहीं हैं तो शॉर्टर चैनल्स, ठीक है जी। इसके बाद आता है बायर्स के बाद आपके पास कि बाइंग क्वांटिटी कितना है, ठीक है, क्वांटिटी कितना है। अगर छोटी क्वांटिटी में एक एक पीस बिकता है तो आप ज़्यादा बड़े चैनल्स भी चला सकते हो कि होलसेलर भी बेच ले, रिटेलर भी बेच ले, जो बेच सकता हो बेच दे। बट अगर बड़ी क्वांटिटी में बहुत बल्क में सामान बिकता है तो बड़े बड़े चैनल नहीं रखने, छोटे चैनल्स, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना ज़्यादा आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो गो फॉर शॉर्टर चैनल्स, क्वांटिटी छोटी है तो गो फॉर बड़े चैनल्स, ठीक है। क्वांटिटी के बाद क्या आता है हमारे पास, साइज ऑफ द मार्केट, ठीक है, आपका मार्केट साइज कैसा है, साइज ऑफ मार्केट, आपको ये भी ध्यान देना है कि मार्केट साइज कैसा है। अगर मार्केट साइज बहुत बड़ा है, बहुत फैला हुआ मार्केट है, आप अकेले नहीं पहुंच सकते तो आपको लॉन्गर चैनल्स यूज करने पड़ेंगे, अकेले पहुंच सकते हो तो फिर शॉर्टर चैनल्स जाओ, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो फैक्टर्स होते हैं वो आते हैं कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर क्या आते हैं जी, कंपनी की गुडविल कैसी है, सबसे पहला कंपनी की गुडविल कैसी है। अब देखो अगर आपकी अच्छी गुडविल है, आप खुद ही जान पहचान है, बढ़िया गुडविल है, बढ़िया नाम है, तो आपको होलसेलर रिटेलर की क्या जरूरत है, आप खुद बेच सकते हो अपने नाम से, आप अपने ब्रांचेस खोल लो खुद से, तो होलसेलर रिटेलर की जरूरत नहीं है। बट अगर गुडविल नहीं है, आप मैन्युफैक्चरर तो हो लेकिन आपको गुडविल चाहिए रिटेलर की, वो आपका सामान बेचे, उसकी जान पहचान बढ़िया है, तो फिर आपको लॉन्गर चैनल चाहिए, अच्छी गुडविल है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ या लिखते चलना। दूसरा होता है कि हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। अगर आप फाइनेंस में बहुत स्ट्रांग हो, आप खुद से सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हर चीज़ देख सकते हो, तो आप खुद से बेच लो यार शॉर्टर चैनल। आप इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो उस सिनेरियो में आपको होलसेलर रिटेलर की जरूरत पड़ेगी, तो फिर बड़े चैनल्स के लिए जाओ। तो गुडविल कैसा है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है, उसके बाद आपकी इच्छा है कि आप चैनल्स को कंट्रोल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। इफ़ यू वॉन्ट कि आपका कंट्रोल बना रहे तो गो फॉर शॉर्टर चैनल्स, अगर आपको लगता है कि कंट्रोल की जरूरत नहीं है, बिकने दो जैसे बिक रहा है, तो गो फॉर लॉन्गर चैनल्स, ठीक है। ये हमारे तीन पॉइंट्स हुए, पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, सही हो गया जी, ओके हो गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है मेरे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या होता है बेटा जी, गवर्नमेंट में होता है कई चीज़ों को बेचने के लिए गवर्नमेंट रूल्स और रेगुलेशंस का ध्यान रखना होता है, जैसे मेडिसिन हैं, अब उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, है ना, उसी तरीके से कुछ आर्म्ड आर्म्स हैं, मतलब गन्स वगैरह सेल करनी है, तो उस प्रकार से ये जितनी चीज़ें होती हैं वहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है कि आप वो किस प्रकार से बेचोगे। जो गवर्नमेंट ने नियम कायदे कानून बनाए होंगे आपको वो ध्यान में रखते हुए माल बेचना है, ये नहीं कि किसी को भी बेच रहे हो, चल भाई बेच दो जितनी मर्जी जैसे मर्जी, ऐसे नहीं होता, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस भी कंसिडर करने पड़ते हैं। अब क्या बच गया जी, कोई और फैक्टर अगर बच जाता है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट है, अवेलेबिलिटी है, और इसके अलावा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, तो जितने भी वो फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो कॉस्ट हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी हो, आपको जल्दी अवेलेबल कराना है, कॉम्पिटिटर से कम्पीट करना है, कॉस्ट देखना है, ये सब अदर्स में आता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं वाइल डिसाइडिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि माल कैसे पहुंचाऊं लोगों तक, ये देखने के लिए आपको ये सब फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑल अबाउट, हमने सारा का सारा चीज़ें देख ली इस पार्ट में, प्राइस के बारे में, प्लेस के बारे में। अब हमारे पास बचता है अंतिम प्रमोशन। प्रमोशन में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके गुड्स को प्रमोट करना, लोगों तक पहुंचाना, सही कस्टमर तक पहुंचाना। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे पास सेल स्ट्रैटेजी की। सेल स्ट्रैटेजी क्या है, सिंपल सी बात है, माल बेचने के लिए जो आप प्लान बनाओगे उसी को सेल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अ प्लान दैट पोजिशंस अ कंपनी इन सच अ वे दैट इट गेन्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन इट्स सेगमेंट। मतलब आपको एक ऐसा प्लान बनाना है जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको आगे ले जाए, आपका माल ज़्यादा बिके और आप बहुत प्रॉपरली सारा अपना पब्लिसिटी कर पाओ और कस्टमर के घर तक पहुंच पाओ। एक अच्छी सेल स्ट्रैटेजी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, व्हाई अ गुड सेल स्ट्रैटेजी इज नीडेड, क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी होती है। देखो सबसे पहले सो दैट कस्टमर अवेयर रहे,
कस्टमर को पता हो आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो एक बढ़िया सेल्स स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है, कस्टमर के नॉलेज में होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। दूसरा, आप अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजी से अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। एक बढ़िया सेल्स स्ट्रैटेजी से आप अपनी परफॉर्मेंस अगर मेजर करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ग्रोथ भी हमें एक अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजी से पता लगती है। तो व्हाई सेल्स स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट, सबसे पहले अवेयरनेस के लिए, कस्टमर अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, दूसरा अपनी ग्रोथ चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए। सर कितने प्रकार की सेल्स स्ट्रैटेजी होती है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल्स स्ट्रैटेजीज आर देयर? तो देखो बेसिकली दो प्रकार की सेल्स स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक होती है डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी और एक होती है इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी। डायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी होती है जब कंपनी बिना किसी इंटरमीडियरी के मदद के खुद ही अपना माल बेचना चाहती है, यानी एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम खुद अपना माल बेचेंगे, हमें कोई होलसेलर नहीं चाहिए, हमें कोई रिटेलर नहीं चाहिए, खुद अपना माल बेचना है, तो वो होती है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी हेल्प लेती है इंटरमीडियरीज की कि हाँ होलसेलर की मदद से माल बेचना है, रिटेलर की मदद से माल बेचना है, तो वहाँ पे हम कौन सी सेल्स स्ट्रैटेजी बोलते हैं, इनडायरेक्ट। तो दो प्रकार की सेल्स स्ट्रैटेजी, चीज़ें लिख लिख के चलना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब मेरे पास आते हैं कितने कॉम्पोनेंट्स होते हैं सेल्स स्ट्रैटेजी के, यानी जब आप सेल्स स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको सेल्स स्ट्रैटेजी बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। सबसे पहला तरीका क्या होता है सेल्स को प्रमोट करने का, प्रोडक्ट प्लेसमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो आजकल अपने गाने में अगर फूड का यूज़ करते हैं तो वो जोमैटो को शो करते हैं, भाग मिल्खा भाग में रॉयल एनफील्ड यूज़ करी गई है। तो वो क्या हो रहा है बेसिकली, वो कंपनी ने अपना प्रोडक्ट इतने अच्छे से प्लेस करा है कि पता भी नहीं चला और एडवर्टीजमेंट भी हो गया, पब्लिसिटी भी हो गई, यही तो चीज़ है। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहलाता है। दूसरा, आप अलग अलग मीडिया को यूज़ करके प्रमोशन कर सकते हो। सर अलग अलग मीडिया को यूज़ करके आजकल बहुत तरीके के प्रमोशंस होते हैं, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो, आप टीवी पे कर सकते हो, आप प्रेस मीडिया पे कर सकते हो, आप इंटरनेट पे कर सकते हो, बहुत तरीके हैं प्रमोशन करने के। तो देर आर वेरियस वेज जहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो। उसके बाद होते हैं टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स आर बेसिकली फीडबैक्स। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे लोगों के ट्वीट के थ्रू और फीडबैक के थ्रू भी अपना बढ़िया सेल बढ़ा सकते हो, कस्टमर तक रीच ला सकते हो। और फिर आती है कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज। सर ये कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें आप बेसिकली कस्टमर को अपनी अच्छी सर्विस से अट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक नीच मार्केटिंग कर रहे हो। नीच मार्केटिंग में बेसिकली आप अपने ही सेगमेंट में किंग बन के रहते हो, आप अपना नीच देखते हो कि मेरा कौन सा एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसमें मैं बेस्ट हूँ, फिर आप उस हिसाब से सेल्स स्ट्रैटेजी बनाते हो, उस हिसाब से आप सारे की सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हो। तो बेसिकली वो सारी की सारी कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज में आ जाता है, मार्केट को टैप करना, प्रोडक्ट को अच्छे से पोजिशन करना, कॉरपोरेट इमेज बनाना, ये सब आपका कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज का पार्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्ट प्लेसमेंट की आप किस तरीके से मूवीज़ में अपना प्रोडक्ट कैसा प्लेस कर रहे हो, प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, अभी हम पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें, टेस्टिमोनियल्स लोगों के फीडबैक्स के थ्रू, और कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज में मैंने आपको बता दिया अपना नीच, कस्टमर सर्विस और मार्केट को कैप्चर करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्या फंक्शंस होते हैं सेल्स स्ट्रैटेजी के, क्यों बनाई जाती है सेल्स स्ट्रैटेजी? पहली बात, नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए सेल्स स्ट्रैटेजी क्यों बनती है, फॉर द पर्पज ऑफ न्यू कस्टमर एक्विजिशन। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास नया नया कस्टमर आए और मैं उसको एक्वायर करूँ, मेरे पास जो आए वो वापस ना जाए। तो न्यू कस्टमर एक्विजिशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजी हमें मदद करेगी नए कस्टमर को एक्वायर करने में। नंबर टू, कस्टमर रिटेंशन। व्हाट इज कस्टमर रिटेंशन? जो पुराना कस्टमर है उसको रिटेन करा जाए, जो पुराना कस्टमर है उसको रिटेन करा जाए, ये भी इसका पार्ट बनता है। तो बेसिकली न्यू कस्टमर एक्वायर करना है, न्यू कस्टमर एक्विजिशन और पुराना कस्टमर रिटेन करके चलना है, ये आपके पास आता है फंक्शंस में, कि एक अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजीज के क्या क्या फंक्शंस हैं, नया कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिटेन करके चलना, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है हमारे पास प्रमोशन। बेसिकली व्हाट इज प्रमोशन, प्रमोशन होता क्या है? तो प्रमोशन इज बेसिकली पॉपुलराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट का पॉपुलराइजेशन कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बना रहे हैं, सोसाइटी में आपके प्रोडक्ट को लोग जानते हैं, यूज़ करते हैं, इतना अच्छे से आपने कर दिया, वो बेसिकली प्रमोशन होता है, ठीक है। प्रमोशन करने की कितनी अप्रोच हो सकती हैं,
What are the various kinds of approaches which are used while doing promotion? This is important. Exam point of view से भी और वैसे भी आपको पता होना चाहिए. तो तीन approach हैं आपके पास. Above the line, below the line and through the line. ठीक है. Above the line. ये आपके पास बेसिकली बिलो द लाइन और ये आपके पास बेसिकली थ्रू द लाइन. ठीक है. देखो जो अबव द लाइन होता है ना, ये टारगेट करता है लार्ज ऑडियंस तक. मतलब कि ये ऑडियंस इन जनरल को टारगेट करता है. ऑडियंस इन जनरल मतलब आपको एक लार्ज ऑडियंस को फोकस करके अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करना है. ठीक है. और ये बड़े बड़े मीडिया को यूज़ करता है, एक जनरल मीडिया को यूज़ करता है जो कई जगह तक जाती है. जैसे आपने कॉमन न्यूज़पेपर्स ले लिए जो पूरे देश में बट रहे हैं, है ना. तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो अबव द लाइन होती है. बिलो द लाइन क्या होती है? बिलो द लाइन में आप सिर्फ अपनी टारगेट ऑडियंस को कैप्चर करते हो. यानी कि आप जब अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो तो एक छोटी पब्लिक तक पहुंचना चाहते हो जो आपका कस्टमर है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिफॉर्म बेचता हूँ तो मैं बस किड्स में या उनके पेरेंट्स में अपना एडवर्टीजमेंट करूंगा, मैं बड़े लोगों में एडवर्टीजमेंट नहीं करूंगा. राइट. यहाँ पे हम सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्पॉन्सरशिप्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके के मेथड यूज होते हैं. और थ्रू द लाइन में क्या होता है? थ्रू द लाइन में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. यानी कि एज पर सिचुएशन कुछ जगह पे आप अबव द लाइन में जा सकते हो, कुछ जगह में आप बिलो द लाइन में जा सकते हो. ठीक है. तो बेसिकली ये लार्ज ऑडियंस पे चलता है, ये वाला जो है ये टारगेट ऑडियंस या स्मॉल ग्रुप्स पे चलता है. ये आपका कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मेजरेबल नहीं होते. इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मेजरेबल नहीं होते क्योंकि पता ही नहीं यार कितने लोगों तक पहुंच गया, कैसे हुआ. ये मेजरेबल होते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हो. ठीक है. वो तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है. सही हो गया. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सर क्या क्या चलता है अबव द लाइन में? प्रिंट मीडिया चलता है. ठीक है. उसके साथ साथ आप ऑनलाइन कर सकते हो, टेलीविजन पे कर सकते हो. ठीक है. और इधर क्या क्या चलता है? इधर चलता है स्पॉन्सरशिप, डायरेक्ट सेलिंग, आप खुद बेच रहे हो, सेल्स प्रमोशन, आप अलग अलग डिस्काउंट्स दे रहे हो, सेल्स प्रमोट कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं. ठीक हो गया. अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ प्रमोशन मिक्स. यानी ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से आप प्रमोशन करते हो, प्रमोशन मिक्स का क्या क्या पार्ट बनेंगे. तो याद रखो बेटा जी, हमारे पास चार होते हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस. प्रमोशन मिक्स में हमारे पास चार एलिमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस. अब पहले इनका मतलब जान लो, फिर इनके छोटे छोटे टॉपिक्स जो एग्जाम में बन सकते हैं वो बताऊंगा. एडवर्टाइजिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हो, टीवी पे, सोशल मीडिया पे. एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या होता है? आप किसी और इंडिविजुअल को बोलते हो कि आप हमारा एडवर्टीजमेंट कर दो. मैंने सलमान भाई को बोला कि हे सलमान भाई प्लीज़ हमारा ऐड करो, मैं एपिफिज हूँ. तो सलमान भाई ने कहा ठीक है मैं आपका ऐड करूँगा. वो क्या हो रहा था? एडवर्टीजमेंट. ठीक है. पर्सनल सेलिंग क्या होता है? जब मैं पर्सनली डोर टू डोर जाके खुद बेच रहा हूँ, मैं कस्टमर के साथ खुद, मेरी कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं पर्सनली वन ऑन वन इंटरेक्ट करके प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, पर्सनल सेलिंग. सेल्स प्रमोशन, मैंने कुछ टेक्निक्स यूज करी, जैसे डिस्काउंट, जैसे कूपन्स, जैसे कुछ इस तरीके के ऑफर्स लगाए, ऑफ के रिबेट दिए कुछ ना कुछ. तो ये सेल्स प्रमोशन में आता है सारी की सारी चीज़ें. और पब्लिक रिलेशंस, मैंने अपनी गुडविल जनरेट करी, मैंने कुछ ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए, मैंने पब्लिक में रिलेशन बनाने की कोशिश करी. क्योंकि पब्लिक से रिलेशन बन गई, पब्लिक इमेज अगर बन गई तो अपने आप ही प्रोडक्ट चल पड़ेगा या नहीं चल पड़ेगा. ये चार तरीके बेसिकली प्रमोशन में यूज होते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? एडवर्टीजमेंट आ रहा है. ठीक है. एडवर्टीजमेंट में आपको चार चीजें रखनी है. ATMC. आपका एम क्या है? आप बेसिकली क्यों एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो? आपका टारगेट क्या है? आपका मीडिया कौन सा आप यूज करना चाहते हो एडवर्टीजमेंट का? टीवी पे करना चाहते हो, न्यूज़पेपर में करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, कैसे? एम, टारगेट, मीडिया और कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर क्या यूज़ कर रहा है. तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप एडवर्टाइजिंग को यूज़ कर रहे हो कि व्हाट इज़ योर एम,
टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कहाँ पहुंचना चाहते हो, कौन सा मीडिया यूज करोगे और कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। अच्छा, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट कैसा होगा, एक अच्छे एडवर्टीजमेंट की क्या क्या क्वालिटीज होंगी। तो एक अच्छा एडवर्टीजमेंट जो है उसको हम बोलते हैं AIDA, AIDA, अटेंशन, एकदम से अटेंशन आए उसमें, इंटरेस्ट, वो कस्टमर का इंटरेस्ट ग्रैब करे, ठीक है। उसके बाद डिज़ायर, लोग विश करने लगे कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, और फिर एक्शन, लोग फटाफट से उस एडवर्टीजमेंट पे एक्ट करें, ये नहीं कि लोग बस देख के इग्नोर कर दिया, एक्ट भी होना चाहिए वो एडवर्टीजमेंट में। तो एडवर्टीजमेंट में AIDA याद रखना, ठीक है, कि अटेंशन, आपका एडवर्टीजमेंट अटेंशन ग्रैब करे, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, लोगों की डिज़ायर बने, इच्छा बने प्रोडक्ट लेने की, और एक्ट करें लोग उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले लिख के चलो साथ साथ, ये एडवर्टीजमेंट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी कॉमनली यूज्ड मीडियाज हैं, कॉमनली यूज्ड मीडिया, आपकी कौन कौन सी मीडिया है जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज होती है। आपको पता है टीवी पे करा लो, प्रेस पे करा लो, सोशल मीडिया पे करा लो, आप मैगजीन्स के थ्रू कर सकते हो। तो आपके पास इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग एडवर्टीजमेंट मीडियाज हैं जो आप यूज करके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले वाली चीजों के ऊपर, जो कि है पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट समझ गया, पर्सनल सेलिंग में बेसिकली क्या होता है, पर्सनल सेलिंग में मैं जाके वन ऑन वन इंटरेक्ट करूंगा और पर्सनली अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करूंगा। सर इससे क्या फायदे होते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप कस्टमर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हो जिससे आपकी रिपीट सेल बहुत बढ़ती है। सर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते होंगे, हाँ, आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों तक पहुंच सकते हो, भाई अकेले कहाँ कहाँ जाओगे, आप अपने आसपास जा सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट पे नहीं जा सकते, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमारी पर्सनल सेलिंग में आ जाती हैं। फिर आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बेसिकली सेल्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इंसेंटिव्स देना, या क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकते हो, डिस्काउंट्स देना, कूपन्स देना। चार प्रकार के सेल्स प्रमोशन होते हैं। सबसे पहला होता है कंज्यूमर प्रमोशन। कंज्यूमर प्रमोशन का मतलब जो फाइनली कंज्यूमर की तरफ डायरेक्टेड होता है, कंज्यूमर डायरेक्टेड प्रमोशन होता है। मतलब आप बेसिकली इसमें ना अपने प्रोडक्ट का ही प्रमोशन कर रहे होते हो, जैसे आपने कोई चिप्स के पैक के ऊपर ही ऑफ लगा होता है, कोई डिस्काउंट है, कोई रिबेट है, कोई ऑफर है, कोई लकी ड्रॉ है, ये सारे के सारे कंज्यूमर के लिए होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम कंज्यूमर प्रमोशंस, ठीक है। देन वी हैव बिजनेस प्रमोशंस। बिजनेस प्रमोशंस में होता है जब आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, जैसे टाटा IPL पूरा का पूरा इवेंट करा दिया ना, वो बिजनेस प्रमोशन में आ जाता है, टाटा IPL आ गया। इसके अलावा आप बहुत सारे सेमिनार्स करा रहे हो, आप कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, इन सबसे आप अपना टोटल बिजनेस प्रमोट करते हो, ठीक है। ट्रेड प्रमोशन। ट्रेड प्रमोशन में बेसिकली आप अपने होलसेलर, रिटेलर, इनको अप्रिशिएट करते हो ताकि आपका ट्रेड प्रमोट हो कि आपने इतना बढ़िया काम करा, ये हमारा सेल्समैन ऑफ द मंथ है, ये हमारा एम्प्लॉई ऑफ द मंथ है। हम अपने होलसेलर को सम्मानित करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देते हैं कि आपने बढ़िया माल बेचा। तो क्या हम अपने ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं उसके थ्रू कि हाँ आप माल बढ़िया बेच रहे हो, और बेचो, अगली बार वो और अच्छे से बेचेंगे, राइट। उसके बाद आता है सेल्स फोर्स प्रमोशन। सेल्स फोर्स प्रमोशन में जो आपके सेल बेचने वाले एजेंट्स हैं, जैसे कमीशन एजेंट्स हैं, उनकी कमीशन आपने बढ़ा दी, राइट। सेल्स फोर्स यानी जो आपकी सेल्स करने में हेल्प कर रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हो। तो बेसिकली चार प्रकार के सेल्स प्रमोशन होती हैं। कंज्यूमर, जो कस्टमर को डायरेक्ट ऑफर्स मिलते हैं, बिजनेस प्रमोशन जिसमें आप अपने पूरे बिजनेस को प्रमोट करते हो स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। ट्रेड प्रमोशन जिसमें आप होलसेलर्स और रिटेलर्स को अप्रिशिएट करते हो, उनको अच्छे अच्छे ऑफर्स देके। और सेल्स फोर्स प्रमोशन जिसमें आप अपने सेल्स फोर्स को कमीशन को कमीशन देते हैं। आप इसमें लिखो जी फटाफट से, जल्दी जल्दी से इसको लिख के चलो, ठीक है जी, ओके हो गया। चलिए इसके बाद आता है बेटा जी पब्लिक रिलेशंस। व्हाट इज पब्लिक रिलेशंस? पब्लिक रिलेशन होता है कि जनता के साथ रिलेशन बनाना, पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना, अच्छी गुडविल बनाना। ये कैसे होता है जी? ये होता है कि आपने कुछ डोनेशंस कर दी, सही है, आपने कुछ फ्री कैंप्स लगा दिए, आपने सोसाइटी के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी कर दी, ठीक है, आप लोगों ने मीडिया में अपना बढ़िया
तरीके से अपने आपका पॉजिटिव चीजें दिखाई, पॉजिटिव फीडबैक दिखाई, आपने गवर्नमेंट रिलेशंस अच्छे से बना लिए, सरकार के साथ अच्छे से रिलेशंस बना लिए, आपने जनरल पब्लिक के साथ अच्छे से रिलेशंस बना लिए पॉजिटिव फीडबैक दिखा के, तो ये सब होते हैं बेसिकली पब्लिक रिलेशंस। इससे भी आपका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन करने के बेसिकली चार तरीके हैं, एडवर्टाइजिंग मैंने आपको बताया, पर्सनल सेलिंग मैंने आपको बताया, सेल्स प्रमोशन बताया और पब्लिक रिलेशंस बताया। तो इसी के साथ गाइज, इसी के साथ हमारा हो जाता है 4 P's, सारे के सारे P's समाप्त और आपका पूरा का पूरा यूनिट 1 खत्म। शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ करे हुए। टॉपिक का नाम है या यूनिट का नाम है एंटरप्राइज ग्रोथ। हम अपनी एंटरप्राइज को ग्रो करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो करना चाहते हैं, तो क्या तरीके हैं, देखो क्या स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहली चीज़ ग्रोथ की अगर बात करें तो ग्रोथ एक आम आदमी की भाषा में अगर बड़ा करना है ऑर्गेनाइजेशन तो इट मींस नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़े, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़े, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े। तो उसको आम भाषा में बोलूँ तो एक्सपांशन। क्या बोलूँगा? एक्सपांशन। एक्सपांशन कितने तरीके का हो सकता है? अगर आपको एक्सपैंड करना है, बिजनेस बड़ा करना है, तो कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक तो होता है इंटरनल एक्सपांशन, आप इंटरनली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही बड़ा कर रहे हो, लाइक आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, आप मशीन रिप्लेस कर रहे हो, पुरानी मशीनें हटा के नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, आप नए एरियाज एंटर कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें इंटरनल एक्सपांशन होता है। और एक्सटर्नल एक्सपांशन क्या होता है? एक्सटर्नल होता है कि आपने फ्रेंचाइजिंग करी। सर फ्रेंचाइजिंग क्या है अभी बताता हूँ। मर्जर्स एंड एक्विजिशन करे, मर्जर दो लोगों ने मिलके कंपनी बना ली, ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एक्विजिशन आप किसी और कंपनी को एक्वायर करते हो, इसको भी पढ़ेंगे। अब जो आपका टॉपिक है ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे और यूनिट खत्म, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा है फ्रेंचाइजिंग होता क्या है। आम भाषा में आपने सुना है उसने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले ली, उसने मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ले ली, उसने इस फूड चेन की फ्रेंचाइजी ले ली, उस फूड चेन की फ्रेंचाइजी ले ली। फ्रेंचाइजी है क्या? फ्रेंचाइजिंग इज एन एग्रीमेंट या अरेंजमेंट वेयर द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट, जैसे डोमिनोज पिज्जा है ना, वो ट्रेडमार्क्ड है, मैकडॉनल्ड्स ट्रेडमार्क्ड है, KFC ट्रेडमार्क्ड है, जो मैन्युफैक्चरर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो आपको राइट देगा कि हाँ आप उनसे ले लो और अपने शहर में आप उसको बेच सकते हो, उन्हीं के नाम से बिकेगा, उन्हीं के नाम से मैकडॉनल्ड्स मैकडॉनल्ड्स के नाम से बिकेगा, ठीक है। गिव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिपेंडेंट रिटेलर्स इन रिटर्न फॉर देयर पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज, और बदले में आपको क्या देना पड़ता है? रॉयल्टीज देनी पड़ती हैं। तो ये फ्रेंचाइजिंग होता है, ठीक है। एक नॉर्मल रिटेलर किसी ट्रेडमार्क प्रोडक्ट को ले सकता है और अपने और एरिया में सेल आउट कर सकता है वो प्रोडक्ट। इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहले फ्रेंचाइजर कौन होता है? जो मैन्युफैक्चरर है या जो ओनर है उस ट्रेडमार्क्ड प्रोडक्ट का। फ्रेंचाइजी कौन होता है? जिसने वो पर्टिकुलर राइट्स खरीदे हैं। राइट्स बेचने वाला फ्रेंचाइजर, खरीदने वाला फ्रेंचाइजी, और उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इस एग्रीमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं या इस एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए। व्हाट आर द कंपोनेंट्स? कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में चलते हैं? सबसे पहला आता है द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेनेशंस। आपको सबसे पहले तो एक्सप्लेन करना होता है टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं आपकी, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जितने भी आप चीज़ें बता रहे हो, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब आप इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन में लिखते हो। देन होती है ऑपरेशंस मैनुअल। ऑपरेशन मैनुअल्स का मतलब कि जो आप ऑपरेशंस करोगे, जब आप बिजनेस चलाओगे तो वो किस प्रकार से चलानी है, व्हाट आर द रूल्स टू फॉलो, व्हाट आर द गाइडलाइंस टू फॉलो, क्या करना है क्या नहीं करना, यानी कि डूज एंड डोंट्स। तो डूज एंड डोंट्स किस में होते हैं? ऑपरेशंस मैनुअल्स में। देन प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट। प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट का मतलब, देखो प्रोप्राइटर होता है ओनर, मालिक, तो प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट में होता है कि किस नाम से आप प्रोडक्ट चलाओगे, गुड्स जो आप बेच रहे हो वो किस नाम से बिकेंगे, मार्केटिंग किस प्रकार से होगी, एडवर्टीजमेंट किस नाम से होगी, क्या लोगो यूज होगा, क्या सिंबल यूज होगा, कौन सा कलर चलेगा, ये सब प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट्स में होता है। देन ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस, जो भी आपकी साइट है यानी जो भी आपका स्टोर है, अगर सपोज रिटेल स्टोर है तो वो कैसा दिखेगा, कैसा आपको मेंटेनेंस करना है, अगर कुछ खराब हो जाता है तो क्या करना है, कौन कौन से कलर का फर्नीचर यूज़ करना है, वो सब साइट मेंटेनेंस पूरा का पूरा। ये चारों ही चीज़ें किसके अंदर गिवन होती हैं? हमारी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा, फीस वगैरह सब इसमें होता है, ऑपरेशन मैनुअल्स आप काम कैसे करोगे,
प्रोप्राइटरी स्टेटमेंट, मालिक का नाम, जो जिसको दिया है रिटेलर उसका नाम, मार्केट कैसे करोगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करोगे, ये सब, और ऑनगोइंग साइट मेंटेनेंस, आप बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कैसे करोगे, चलाओगे कैसे। ये आता है अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सावधान इंडिया सवाल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजिंग, कितने प्रकार की फ्रेंचाइजिंग हो सकती है या आप कितने प्रकार की चीज़ें ले सकते हो, कौन से राइट्स आप खरीद सकते हो बेसिकली। तो चार प्रकार की होती है, सबसे पहला प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी, देन मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी, देन बिजनेस फ्रेंचाइजी, देन फॉर्मेट फ्रेंचाइजी। शब्दों में ही मतलब छुपा हुआ है। सबसे पहले प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी, यानी आप क्या करते हो बेसिकली, राइट लेते हो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा कोई पर्टिकुलर गुड, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, यहाँ पे हम प्रोडक्ट गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, कि मैंने पूरा का पूरा गुड्स का एक पूरा का पूरा प्रोडक्ट का राइट ले लिया, अब मैं उसको सेल करूँगा अपने एरिया में, तो यहाँ पे बेसिकली आपको राइट मिलता है टू डिस्ट्रीब्यूट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ ब्रांड नेम, एक ब्रांड नेम के अंडर आप उसको बेच सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपको राइट्स मिल जाते हैं कि बनाओ और बेचो, यहाँ तो बना बनाया मिल रहा था ना, यहाँ पे क्या है, बनाओ और बेचो, मैन्युफैक्चर करो और सेल करो। तो मैन्युफैक्चर करो और सेल करो में क्या क्या आता है, इसके अंदर बेसिकली यूजुअली फूड बेवरेजेस चलते हैं, फूड एंड बेवरेजेस, क्योंकि ये वहाँ से बने बनाए तो ला नहीं सकते, ख़राब हो जाएंगे, तो बनाने का भी राइट होता है, वहीं बनाओ वहीं बेचो, लेकिन इसमें ना कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ट्रेनिंग मेंटेनेंस खर्चे ज़्यादा होते हैं इसमें। उसके बाद आता है बिजनेस फ्रेंचाइज, बिजनेस फ्रेंचाइज में होता है पूरा का पूरा बिजनेस ले लो, चला चलाया, एक आधे प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, पूरा का पूरा बिजनेस, यानी इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, एक कंपनी में डील करना पूरा का पूरा, कि एक ही कंपनी की पूरी डीलरशिप ले लो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो और फिर काम करो, इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी। देन वी हैव बिजनेस फॉर्मेट, बिजनेस फॉर्मेट में क्या होता है, आपको मेथड दे दिया जाता है कि आप इस प्रकार से बिजनेस रन करो, आप चलाओ, लेकिन पूरा मेथड, सारा प्रॉपर डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस, इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ठीक है। लाइक मैंने कोई बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी ली तो मुझे पूरे फॉर्मेट्स के राइट मिल गए, मुझे पूरा का पूरा डिटेल स्टेटमेंट मिल गया, पूरा बिजनेस चलाने का मेथड मिल गया, जिसके थ्रू मैं सब कुछ बहुत प्रॉपर तरीके से कर सकता हूँ। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा वाला फ्रेंचाइजी, बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी, ठीक हो गया जी, परफेक्ट हो गया। देन वी हैव एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग, क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले एडवांटेजेस दोनों को होते हैं, फ्रेंचाइजर को भी जो देने वाला है राइट्स, फ्रेंचाइजी को भी जो राइट्स लेने वाला है। तो जो राइट्स देने वाला है उसको क्या फ़ायदे हैं, एक्सपेंशन, उसका बिजनेस बड़ा हो रहा है, ज़्यादा प्रेजेंस, ज़्यादा मार्केट्स में उसके स्टोर दिख रहे हैं, ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचेगा, ग्रोथ ऑब्वियसली, ज़्यादा सेल्स होंगी, ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो ग्रोथ तो होगी ही, और कॉस्ट एडवांटेजेस, जितने बड़े लेवल पे आप काम करते हो अगर एक जगह से लॉस भी आ रहा है दूसरी जगह प्रॉफिट मैनेज कर लोगे तो कॉस्ट एडवांटेज तो होता ही होता है। जिसने लिया है उसको क्या फ़ायदा है, सबसे पहले प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, उसने एक ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है या राइट्स ली हैं जो ऑलरेडी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, यानी लोगों ने ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करा हुआ है, लोग बोलते हैं जाना माना प्रोडक्ट है, खरीदो, ठीक है। नंबर दो एक्सपर्टीज, आपको एक चली चलाई कंपनी की एक्सपर्टीज़ मिलती है सेल्स में, मार्केटिंग में, हर एरिया में, तो आपको इजी होता है। नॉलेज ऑफ मार्केट, आपको मार्केट का ज्ञान मिलता है, पता चलता है, काम करना आता है। नंबर फोर स्किल डेवलपमेंट, आपका ओवरऑल स्किल भी डेवलप होता है, ठीक है जी। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस कुछ खास नहीं है फ्रेंचाइजर को, तो बस ये है कि अच्छा इंसान ढूंढना मुश्किल है, कि एक अच्छा इंसान मिल जाए जो क्वालिटी मेंटेन कर पाए, आपका नाम ना डूबाए, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज प्रॉब्लम आती है एक अच्छा इंसान ढूंढने में। और फ्रेंचाइजी जो राइट्स लेने वाला है उसको क्या डिसएडवांटेज है, फ्रीडम नहीं होती, एज पर एग्रीमेंट जो है करना पड़ेगा, आपको कोई ऑटोनॉमी नहीं है कुछ भी करने की। रिस्क होता है कि जो फ्रेंचाइजर है वही ना बिक जाए, जिससे आपने राइट खरीदे हैं, अगर इसी के राइट्स बिक जाए, ये लॉसेस में चला जाए, यही बिक जाएगा तो आपको फिर नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, आपका पैसा भी गया, ये प्रॉब्लम है। कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, खर्चे काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो मेंटेनेंस रॉयल्टी के खर्चे तो हैं ही, साथ साथ ट्रेनिंग, डेली डेली नया नया कुछ ना कुछ डेवलप होता रहता है, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो बहुत खर्चे बढ़ जाते हैं, तो कॉस्ट की बहुत प्रॉब्लम है। तो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रेंचाइजिंग, डिसएडवांटेजेस मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, सारे एडवांटेजेस आपको समझ में आ गए होंगे। इसके साथ साथ आपने चारों प्रकार की फ्रेंचाइजिंग देख ली, ठीक है। इसके बाद एग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए, इस टॉपिक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट और फ्रेंचाइजी के टाइप्स ही हैं, बाकी ये सब फ्रेंचाइजिंग का मीनिंग हो गया,
एक इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपांशन हो गया और ये पूरा का पूरा आपका फ्रेंचाइजिंग खत्म। मर्जर एंड एक्विजिशन, आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी है, चाहे वो कोई और अदर बुक है, तो आप प्लीज उसमें से चीजें मार्क करते रहिएगा और साथ साथ लर्न करते रहिएगा, क्योंकि मेरा काम आपके लिए चीजें आसान बनाना है और आपके लिए मीनिंग क्लैरिफाई करना है। अब लर्निंग आपको करके चलनी है साथ साथ, राइट? तो चलो सबसे पहले देखो, दो शब्द है मर्जर्स और एक्विजिशन। मर्जर शब्द जो है वो हम लोग कई बार सुनते हैं कि वो कंपनी उसमें मर्ज हो गई। एक्विजिशन, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया, उसके स्टेक्स खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए। तो मर्जर बेसिकली क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज इनटू वन लार्ज कंपनी। दो कंपनीज क्या करेंगी? मिलके एक बड़ी कंपनी बनाएगी, ठीक है? एक कंपनी होगी जो एक्वायर कर रही होगी और दूसरी कंपनी होगी जो मर्ज हो जाएगी। तो एसेट्स और लायबिलिटीज सारे इसके अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है? मर्जर्स हमारे पास दो प्रकार में होते हैं, एक होता है अमेलगमेशन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी थी और अब उन्होंने मिलकर एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम रखा जी। तो एक्स और वाई दोनों की आइडेंटिटी मिलके एक जी कंपनी बनती है। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि एक्स और वाई, वाई इसी में एब्जॉर्ब हो गई और एक्स के नाम से ही कंपनी चलती रहेगी। तो दिस इज हाउ अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन वर्क्स। अमेलगमेशन में दोनों का ही एक्स और वाई का काम खत्म, अब नया जेड के नाम से वो दोनों मिलके काम करेंगे और इसमें एक कंपनी दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाती है, एक्स के नाम से ही काम चलता रहेगा, ठीक है? इसके बाद कितने प्रकार के मर्जर्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मर्जर्स आर देयर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में मैंने काफी कुछ लिखा भी है सो दैट आपके लिए इजी हो जाए। तो बेसिकली हमारे पास पांच प्रकार के मर्जर्स होते हैं। सबसे पहला कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल, मार्केट एक्सटेंशन, प्रोडक्ट एक्सटेंशन और वर्टिकल, ठीक है? तो कॉन्ग्लोमरेट देख लो सबसे पहले। कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट में द फर्म्स इन टोटली अनरिलेटेड बिजनेस कम टूगेदर। इसके अंदर क्या होता है कि दो फर्म्स जिन्हें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, रिलेटेड ही नहीं है, एक कुछ और काम कर रही है, कुछ और काम कर रही है, फिर दोनों मिलकर मर्जर करती हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। अब इसमें क्या होता है, दो प्रकार का कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है। एक प्योर कॉन्ग्लोमरेट जिसमें मर्जर ऑफ फर्म्स विद नथिंग इन कॉमन, उसमें कुछ कॉमन होता ही नहीं है, दोनों ही प्योरली डिफरेंट सेगमेंट। और एक मिक्स्ड कॉन्ग्लोमरेट, फर्म्स विच आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट और मार्केट एक्सटेंशन, या तो वो अपना प्रोडक्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं या मार्केट रीच ज्यादा पहुंचना चाहते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। दोनों ही यूनिट्स जो हैं कॉन्ग्लोमरेट में यूजुअली एक दूसरे से लिंक्ड नहीं होती, अलग अलग होती हैं, अलग अलग काम कर रही होती हैं। तो इसमें अगर बिल्कुल ही अलग है तो प्योर कॉन्ग्लोमरेट, और कोई प्रोडक्ट एक्सटेंशन करना चाहते हैं, मार्केट एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो मिक्स्ड कॉन्ग्लोमरेट, ओके? इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब दो कंपनीज जो सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, हॉरिजॉन्टल है ना, दो कंपनीज सेम इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, तो कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री कम टुगेदर और मर्ज करती हैं। यूजुअली ओलिगोपॉली मार्केट में चलता है, कॉम्पिटिशन खत्म करने के लिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इंडिया में गाड़ी का बात करूं तो इंडियन कंपनीज टाटा और महिंद्रा बहुत पॉपुलर है, दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। अगर दोनों कंबाइन हो जाएं, या टाटा और ह्युंडई कंबाइन हो जाएं, या महिंद्रा और ह्युंडई कंबाइन हो जाएं, तो बेसिकली क्या होगा, कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा और दोनों ही मिलकर अच्छा काम कर पाएंगे। तो मर्जर बिटवीन टाटा महिंद्रा, टाटा ह्युंडई, ये सब हॉरिजॉन्टल होता है क्योंकि सेम सेगमेंट में काम कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट एक्सटेंशन। मार्केट एक्सटेंशन में होता है द कंपनीज इन सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट मार्केट्स, मतलब है तो सेम प्रोडक्ट में बट अलग अलग मार्केट में है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी नॉर्थ में बहुत पॉपुलर है, एक कंपनी साउथ में बहुत पॉपुलर है, और दोनों ही फोन के कवर्स बेचती हैं, एक नॉर्थ में एक साउथ में, दोनों फोन के कवर्स बेचती हैं, उन दोनों ने मर्ज कर लिया, तो क्या अब नॉर्थ वाली को साउथ का भी कस्टमर मिलेगा और साउथ वाली को नॉर्थ का भी कस्टमर मिलेगा? बड़ा काम होगा ना। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली बड़ी मार्केट तक पहुंचने के लिए, जैसे नॉर्थ और साउथ इंडिया में काम कर रही है कंपनी, ठीक है? इसके बाद प्रोडक्ट एक्सटेंशन। अगर दो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाना चाहती हैं, ज्यादा काम करना चाहती हैं, टू ऑर्गेनाइजेशंस कम टुगेदर हु डील इन प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू वन अनदर, मतलब कि दो कंपनीज एक साथ आएंगी और वो दोनों मिलते जुलते प्रोडक्ट्स में डील कर रही होंगी, ठीक है? बहुत मिलते जुलते प्रोडक्ट्स में डील कर रही होंगी, तो उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कौन सी बन जाएगी, प्रोडक्ट एक्सटेंशन, ठीक है? एक होता है वर्टिकल मर्जर्स। वर्टिकल मर्जर्स कौन से होते हैं? वर्टिकल मर्जर्स में मर्जर ऑफ टू कंपनीज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, अलग अलग गुड्स और सर्विसेज हैं, काफी अलग अलग गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं,
फॉर वन स्पेसिफिक फिनिश्ड प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए, मतलब एक प्रोडक्ट बनेगा फाइनल उससे, और वो दो कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गाड़ी की बात करता हूँ कि एक टायर बना रही है और एक सीट कवर्स बना रही है, बना तो गाड़ी के लिए रही है ना, एक टायर और एक सीट कवर, तो दोनों मिलकर मर्ज कर लेंगी तो वो आ जाएगा हमारे पास इस सेगमेंट में। द मर्जर बिटवीन द फर्म्स ऑपरेटिंग एट डिफरेंट लेवल्स इन द इंडस्ट्री, अलग अलग लेवल्स पे काम कर रही होती हैं। तो ये आपके पास पांच प्रकार के मर्जर होते हैं, बस याद रखना, कॉन्ग्लोमरेट, हॉरिजॉन्टल, मार्केट एक्सटेंशन के लिए, प्रोडक्ट एक्सटेंशन के लिए, और वर्टिकल, ठीक है। ये आपके पास अलग अलग प्रकार के मर्जर्स हो गए। अब मर्जर के बाद हम लोग आगे चलते हैं एक्विजिशन की तरफ। एक्विजिशन की बात करें तो एन एक्शन इन विच अ कंपनी बायज मोस्ट ऑफ द टारगेट कंपनीज ऑनरशिप स्टेक्स, मतलब कि एक कंपनी है जो किसी दूसरी कंपनी के या तो सारे या मैक्सिमम स्टेक शेयर्स खरीदने की कोशिश करेगी और उसको अपने अंदर ही संभालेगी, एक्वायर कर लेगी, उसे खरीद लेगी पूरी की पूरी, एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन कितने प्रकार का होता है सर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्विजिशन आर देयर? सबसे पहला फ्रेंडली एक्विजिशन। फ्रेंडली का मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, खुद ही एक कंपनी ने खुद को सेल आउट कर दिया, उसको पैसा अच्छा मिल रहा है, उसको आगे काम नहीं करना है उस सेगमेंट में, उसने अपने आपको सेल आउट कर दिया फ्रेंडली टर्म्स पे। तो क्या होता है, अप्रूवल ऑफ एक्विजिशन अंडर फ्रेंडली टर्म्स। रिवर्स एक्विजिशन, रिवर्स में क्या होता है, एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को खरीद लेती है, यूजुअली पब्लिक प्राइवेट को एक्वायर करती है ना, यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट कंपनी टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी, इसको रिवर्स बोलते हैं। बैकफ्लिप क्या होता है, बैकफ्लिप होता है उल्टा फ्लिप कर जाना, यानी कुछ अपोजिट हो जाना, परचेजिंग कंपनी बिकम्स द सब्सिडरी ऑफ अ परचेज्ड कंपनी। देखो एक्चुअल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं, ठीक है, एक ये है एक ये है, ओके, अब इस कंपनी ने इसको खरीद लिया, ये परचेजिंग है और ये परचेज्ड है। अब जो परचेजिंग कंपनी है ना वो सब्सिडरी बन गई है इसकी, सब्सिडरी का मतलब ये हो गई होल्डिंग, पहले खरीदा था लेकिन इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, ये ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं तो ये होल्डिंग हो गई, ये इसकी सब्सिडी बन गई, सब्सिडरी, बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसके बाद होता है हॉस्टाइल एक्विजिशन। हॉस्टाइल होता है कि आप, ये यूजुअली मजबूरी में होता है, बहुत फोर्स के साथ किया जाता है, क्योंकि आपने कोई लोन वोन लिया किसी कंपनी से और आप चुका नहीं पाए तो वो आपकी संपत्ति तो बेचेगा ना, नीलामी तो करेगा ना, आपका सब कुछ एक्वायर तो कर लेगा ना, वो सब हॉस्टाइल होता है। द ट्रांजेक्शन्स इज कैरिड थ्रू फोर्स, मतलब बहुत इस तरीके से काम करा जाता है जो प्यार से नहीं है, सामने वाले का मन भी नहीं है, बस हो रहा है, तो दिस इज वॉट वी कॉल एज हॉस्टाइल एक्विजिशन। तो फ्रेंडली हो गया, रिवर्स हो गया, बैकफ्लिप हो गया और हॉस्टाइल हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। कितने स्टेप्स हैं जो मर्जर्स और एक्विजिशन में होते हैं, मतलब मर्जर और एक्विजिशन को क्या क्या पूरा करना पड़ता है। देखो सबसे पहले होता है क्लाइंट का रिक्वायरमेंट जानना, जो भी मर्जर या एक्विजिशन करना चाहते हैं उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पज है, वो नई टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत है, वो नया स्किल देख रहे हैं, नया मार्केट देख रहे हैं, नया प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्या क्या है, बेसिक एनालाइज करो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट। उसके बाद आइडियाज जनरेट करो, आइडियाज लेके आओ कि किस तरीके से करा जा सकता है, क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या नया करेंगे मिलके, आइडिया जनरेट करो। उसके बाद जो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि इस आइडिया में ये 10 कंपनीज को मर्ज कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, उनकी वैल्यूएशन लगाओ कि कितना पैसा देना पड़ेगा, वैल्यू तो लगानी पड़ेगी ना। तो क्लाइंट का सबसे पहले आप इंटरेस्ट जानो, रिक्वायरमेंट जानो, फिर आइडिया जनरेट करो, उसके बाद वैल्यू करो, कंपनी की वैल्यू लगाओ, वैल्यू लगाने के बाद पोटेंशियल पार्टनर्स देखो। वैल्यू लगाने के बाद क्या करना है आपने, पोटेंशियल पार्टनर्स, कि जब आप मिल के काम करोगे तो आपका पोटेंशियल इंटरेस्ट भी मैच करेगा या नहीं करेगा, क्या आप लोग पोटेंशियल पार्टनर्स की तरह काम भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप किसके साथ अच्छी बनेगी किसके साथ नहीं बनेगी, ये देखना जरूरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पूरी करना, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो लीगल हो, जितने भी आपके लॉयर्स हैं वो चेक करेंगे सारी चीज़ें, सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके देंगे। उसके बाद ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, तो ड्यू डिलिजेंस में बेसिकली अकाउंटिंग और लॉ फर्म्स को हायर करा जाता है ताकि इनके क्रेडेंशियल्स देखे जा सके, इनकी वर्थ देखी जा सके, इनके क्या स्टेटस है, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारा चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है,
सब कुछ ओके है और कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, फिर वो देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट सपोर्टिव है या नहीं है, क्या हमारी मैनेजमेंट में बनेगी या नहीं बनेगी। अगर वो भी चीज़ अच्छी पाई जाती है फिर आप फर्दर नेगोशिएशन कर सकते हो, आप पैसे वैसे की बात कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है पूरा मर्जर और एक्विजिशन का, ठीक है। इसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मर्जर एक्विजिशन करती क्यों है, वाई दे बेसिकली मर्ज और एक्वायर न्यू फर्म। सबसे पहला होता है सिनर्जी, ये सबसे बढ़िया पॉइंट है सिनर्जी। सिनर्जी बोलता है कि जब दो चीज़ें या दो फर्म्स या दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करती हैं तो बेनिफिट्स बड़ा होता है। एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं, दो और दो 4 नहीं, दो और दो 5 होते हैं। तो ये हमारे पास सिनर्जी होता है। सिनर्जी इज बेसिकली ज़्यादा बेनिफिट होना रिक्वायर्ड से ज़्यादा, मतलब अकेला इंसान इतना काम नहीं कर सकता जितना दो या दो से ज़्यादा बड़े प्यार से मिलकर कर जाएंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सिनर्जी, ठीक है। अब सिनर्जी कितने प्रकार की होती है, हमारे पास दो प्रकार की सिनर्जी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी सिनर्जी? एक होती है ऑपरेटिंग, यानी जब आप दो मिलके काम करोगे ऑपरेशन स्मूथ होंगे, लार्ज स्केल पे करोगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, सस्ते में होगा काम। दूसरा होता है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल में यूजुअली हम लोग एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं टैक्स शील्ड, यानी आपके फाइनेंशियल्स में बहुत हेल्प मिलती है, आपका टैक्स बहुत हद तक सेव होता है। सर कैसे सेव होता है? देखो बहुत सिंपल है, यूजुअली एक कंपनी है जो प्रॉफिट्स में है, एक है जो लॉसेस में। आप इन दोनों का मर्जर जब हो जाएगा तो आप या यहाँ जो लॉसेस हो रहे हैं वो इधर प्रॉफिट में से सेट ऑफ कर सकते हो, तो आपका जो इनकम टैक्स है या जो आपका कॉर्पोरेट टैक्स है या जो टैक्सेस हैं, सिंपल ले लो, वो बचेंगे, आप बचा पाओगे अपने टैक्सेस को, क्योंकि आप बहुत प्रॉपरली अपने फंड्स को यहाँ पे एलोकेट कर सकते हो कि हम यहाँ पे हमारा पैसा जा रहा है तो इनकम कम तो इनकम टैक्स भी कम, समझ गए, ठीक है। इसके बाद होता है नई टेक्नोलॉजी। जब आप नए किसी कंपनी के साथ काम करते हो तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, नई चीज़ें जानने को मिलती हैं, ग्रोथ होती है। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, दो कंपनीज है तो मार्केट सेगमेंट भी बड़ा होगा, कस्टमर भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगे, ज़्यादा लोग मिलेंगे अच्छे से काम करने वाले, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मोर फंड्स, वही बात है, पहले एक के पैसे लगे हुए थे अब दो के पैसे लगे हुए हैं तो फंड्स ज़्यादा होंगे। न्यू मार्केट एक्सेस, आप नई मार्केट तक पहुंच पाओगे, रीच कर पाओगे, पहले जिस मार्केट में आप नहीं थे अब आप उस मार्केट में पहुंच सकते हो, तो मार्केट एक्सेस मिलता है। और टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट्स सेम टू सेम सिनर्जी वाले, वही टैक्स शील्ड वाला पॉइंट, यही वाला कि एक कंपनी अगर लॉसेस में है तो उसके साथ मर्ज करने से आपको काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आप अपने इनकम्स को वहाँ पर सेट ऑफ कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, ठीक है, ये सब हो जाते हैं। रीजंस फॉर फेलियर, अब कई बार क्या होता है ये जो एक्विजिशंस मर्जर्स हैं ये फेल हो जाते हैं। सर क्यों फेल हो जाते हैं? सबसे पहला रीज़न होता है अनरियलिस्टिक प्राइस पेड। कई बार ना आप वैल्यूएशन गलत लगा देते हो सामने वाले कंपनी की, जो आपकी टारगेट कंपनी है आपने उसका वैल्यूएशन गलत लगा दिया, अनरियलिस्टिक प्राइस दे दिया, अब आप उससे जनरेट कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो वहाँ आपका काफ़ी नुकसान होता है और मर्जर्स फेल हो जाते हैं, एक्विजिशंस फेल हो जाती हैं। उसके बाद कल्चरल इंटीग्रेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, एक तरीका होता है काम करने का, तो कई बार दो ऑर्गेनाइजेशन से एक अच्छे कल्चर में नहीं मिलजुल पाती, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाती, कल्चरल इंटीग्रेशन हमें देखने को नहीं मिलता यूजुअली, ठीक है। इसके बाद पुअर बिजनेस फिट, एक दोनों ही एक दूसरे के लिए बिजनेस फिट नहीं है, मतलब एक की पॉलिसीज दूसरे को बढ़िया नहीं लग रही, दूसरे की पॉलिसीज पहले को बढ़िया नहीं लग रही, तो वो फिट नहीं है, एक अच्छा फिट नहीं है, दोनों का प्रॉपर फिट होना ज़रूरी है। ओवर स्टेटेड सिनर्जीज, कई बार हम ज़्यादा सोच लेते हैं कि हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो हम सोचते हैं कि 2+2 5 हो जाएगा, बट वो ओवर स्टेटेड होता है, वो नहीं हो पाता, हमारे सिर्फ प्लान्स में होता है बट एक्चुअल में नहीं हो पाता, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड एक्चुअल थिंग, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, दैट इज़ वाई हम बोलते हैं कि कई बार सिनर्जीज ओवर स्टेट हो जाती हैं, जिस वजह से जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार के कुछ और पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो अपनी बुक्स में और आप लिख के आ सकते हो कि क्यों फेल हो जाते हैं हमारे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो इसी के साथ गाइज ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर जो मैंने कराया आपको, ये सारा रीजंस हो गए और मर्जर्स और एक्विजिशन क्यों करते हैं और क्या क्या फेलियर्स के कारण है, ये लिख दिया हमने, पूरा प्रोसेस आ गया किस तरीके से मर्जर एक्विजिशन होगा, कितने प्रकार के मर्जर्स होते हैं, कितने प्रकार के एक्विजिशंस होते हैं, ये सब आपका इस पर्टिकुलर चार्ट में आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बड़े ध्यान से पूरा का पूरा टॉपिक आप प्रिपेयर करो, ध्यान से पढ़ो,
और आपके दो यूनिट्स हो जाएंगे प्रिपेयर। चलिए जी शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फाइनेंस की, कि फाइनेंस क्या होता है। यार देखो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी स्टार्टअप हो, चलाने के लिए सबसे पहले पैसा चाहिए, उसी को फाइनेंस बोलते हैं। तो फाइनेंस इज द फंड needed to run an organization। देखो, जो फाइनेंस या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। फिक्स कैपिटल जो है वो यूजुअली फिक्स एसेट्स में लगती है, बिजनेस शुरू करने पे लगती है। वर्किंग कैपिटल बिजनेस को मेंटेन करने के लिए लगता है, ठीक है। व्हाई फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, क्यों चाहिए? बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए, एसेट्स खरीदने के लिए, मार्केट इन्वेस्टिगेशंस, मार्केट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए, डिजाइनिंग डेवलपमेंट सारे के सारे, पैकिंग सब कुछ के लिए, उसके बाद एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन इम्प्रूवमेंट और ग्रो करने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए, राइट। तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इसीलिए होती हैं। क्या क्या सोर्सेज हैं आपके फंड्स के, आप पैसा कहाँ से ले सकते हो? देखो, हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, बिजनेस के अंदर अंदर से अगर आप पैसा उठाते हो। एक होते हैं एक्सटर्नल, अगर आप बिजनेस के बाहर से पैसा उठाते हो, यानी आउटसाइडर्स से पैसा उठाते हो। तो अगर आप बिजनेस के अंदर अंदर से इंटरनली फंड्स जनरेट करते हो, उसके क्या क्या सोर्सेज हैं? सबसे पहले आप शेयर्स इशू कर सकते हो। आप जब भी शेयर इशू करते हो तो सामने वाला ओनर बनता है, जो भी इन्वेस्टर होता है वो आपका मालिक बनता है, ओनर बनता है। लाइक मैंने अगर आपकी कंपनी के शेयर खरीदे तो मैं ओनर हो गया आपकी कंपनी का, तो इनसाइडर हो गया ना, इंटरनल का ही पार्ट बन गया ना मैं। तो बेसिकली शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, जैसे उन्हें फिक्स डिविडेंड मिलता है और उन्हें जब भी रीपेमेंट होगा कैपिटल का तो सबसे पहले इनका होगा। इस प्रकार से प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड, प्रेफरेंशियल राइट टू कैपिटल एज वेल एज डिविडेंड फिक्स्ड होता है इनका, ओके। इसके बाद सिमिलरली आप अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स यानी सेविंग्स से भी बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हो। अगर आपको ग्लोबली पैसा उठाना है, एक इंडियन कंपनी को बाहर से पैसा उठाना है, तो ग्लोबली उसके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, GDR होता है जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, और ADR होता है सिर्फ अमेरिका में, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। ये बिल्कुल शेयर्स के जैसे होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि ये इंटरनेशनल होते हैं तो इन्हें डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली अगर किसी बाहर की कंपनी को इंडिया से पैसा उठाना हो तो वो होते हैं इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, बस यही चीज़ें होती हैं। एक्सटर्नल में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आप बैंक से लोन ले सकते हो, लोन फ्रॉम बैंक, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो, कर्जा ले रहे हो आप, यहाँ पे मालिक नहीं बना रहे, क्रेडिटर बना रहे हो। डिबेंचर इशू कर सकते हो जनता में, बॉन्ड्स इशू कर सकते हो, डिबेंचर और बॉन्ड्स इशू कर सकते हो। बैंक से लोगे तो लोन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट्स डायरेक्टली जनता को आप पब्लिक डिपॉजिट्स, अगर पब्लिक आपके यहाँ के पैसा डिपॉजिट करे। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट तो यूजुअली बिजनेस के लिए एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है, उसको ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। ये सब कॉमन टर्म्स हैं जो आप पढ़ते हो। अब हमारे पास आता है जो सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टर्म है, वो है कैपिटल मार्केट, ठीक है। देखो, पैसा रेज करने के लिए, पैसा अरेंज करने के लिए हमारे पास दो प्रकार की मार्केट्स होती हैं। कितने प्रकार की मार्केट्स होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो कैपिटल मार्केट यहाँ पे लिखा ही हुआ है। कैपिटल मार्केट के से पहले हमारे पास होती है एक मनी मार्केट, एक होती है मनी मार्केट। मनी मार्केट किस में डील करती है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है, यानी अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल से कम के लिए, तो वहाँ मनी मार्केट चलती है। कैपिटल मार्केट क्या होता है? देखो, कैपिटल मार्केट्स रेफर्स टू अ होल नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं विच प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। यानी यहाँ पे जो आपको पैसा चाहिए ना, वो 1 साल से ज़्यादा, 5 साल से कम यानी मीडियम, या 5 साल से ऊपर, 20 साल से कम यानी लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट होती है, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट होती है, ये याद रखना है, ठीक है। और किस किस को पैसा देते हैं? गवर्नमेंट को एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। फंड्स आर रेज्ड एज बोथ डेट यानी कर्जा और इक्विटी यानी ओनरशिप। आप शेयर्स भी इशू कर सकते हो, यानी आप अपने स्टेक बेच सकते हो, या आप कर्जा भी ले सकते हो, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई कैपिटल मार्केट इज इंपॉर्टेंट, या कैपिटल मार्केट क्यों बनाई गई है? सबसे पहले
ये क्या करता है, ये आपके फंड्स को मोबिलाइज करता है, ये आपके फंड्स को क्या करता है, मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब मूव करता है, अच्छी जगह पे लगाता है, मोबिलाइज योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑन नेशन वाइड स्केल। आप मार्केट की मदद से अपना पैसा पूरे नेशन वाइड स्केल पे लगा सकते हो, आप अलग अलग जगह कर सकते हो, इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप पैसा रेज कर सकते हो इस मार्केट में जाके। उसके बाद इट एंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ फंड्स। भाई बैंक में भी तो आप फंड एलोकेट करोगे, रखोगे ना अपना पैसा बैंक में, तो मार्केट में आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पैसा लगाऊंगा तो वहां से मैक्सिमम रिटर्न आएगा। ROI चेक करते हैं यहाँ पे हम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इट एंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ फंड्स बाय इन्वेस्टिंग इन प्रोजेक्ट्स कैपेबल ऑफ एंश्योरिंग हाई रिटर्न्स। हाई रिटर्न्स हमें मिलते हैं इस मार्केट में। अच्छा, कितने प्रकार की कैपिटल मार्केट्स होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। मैं तुम लोगों को दोनों का ही बड़ा आसानी से मतलब बता देता हूँ। हमें प्राइमरी पढ़ना है बस, सेकेंडरी हमें नहीं पढ़ना, बट फिर भी आई एम टेलिंग यू। प्राइमरी होता है वो मार्केट जहाँ पे सिक्योरिटीज पहली बार इशू करी जाती है, मतलब अगर कोई कंपनी पहली बार कोई पैसा रेज कर रहा है, चाहे वो डेट की फॉर्म में या इक्विटी की फॉर्म में, फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो वो प्राइमरी मार्केट में होगी। एक बार ऑलरेडी हो चुका है, फिर उसका सेल परचेज हो रहा है, बीच में दो इन्वेस्टर्स आपस में, मेरे पास कोई सिक्योरिटीज है, मैंने किसी और को बेच दी, उसने किसी और को बेच दी, वहां पे कंपनी का कोई मतलब नहीं है, वो सब सेकेंडरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट को ही हम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में एनी ट्रांजेक्शन इन शेयर्स और डिबेंचर्स सब्सिक्वेंट टू प्राइमरी ऑफरिंग, यानी पहली बार ऑफर हो चुके हैं वो प्राइमरी मार्केट में, उसके बाद उनका सेल परचेज होता है, उसको सेकेंडरी ऑफरिंग बोलते हैं। और सेकेंडरी ऑफरिंग हमेशा कौन सी मार्केट में होती है? सेकेंडरी मार्केट में। इसी को स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। अब प्राइमरी मार्केट पे आते हैं। द मार्केट वेयर इन द सिक्योरिटीज आर सोल्ड ऑफ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार इशू करा जाता है, दैट इज वाई इस मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। इसी मार्केट को क्या बोलते हैं? न्यू इशू मार्केट। अब अगर कोई नई कंपनी इशू कर रही है तो हम उसको बोलते हैं इनिशियल इश्यूज, कोई पुरानी कंपनी फंड रेज कर रही है उसको बोलते हैं फर्दर इश्यूज, ठीक है। शेयर्स नए हैं, पुरानी कंपनी है तो फर्दर इश्यूज, नई कंपनी है तो इनिशियल इश्यूज। अब क्या क्या तरीके हैं ये शेयर्स या फंड्स रेज करने के, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप पैसा रेज कर सकते हो? सबसे पहला और सबसे पॉपुलर होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू होता है कि एक कंपनी जनता में प्रोस्पेक्टस इशू करती है, जैसे स्कूल कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है ना, डिटेल लिखी होती है उस पर, ऐसे ही एक कंपनी जब काफ़ी बड़े स्केल पे ग्रो करना चाहती है और वो अपना पैसा लगा चुके हैं, अब वो पब्लिक से पैसा रेज करना चाहते हैं, क्योंकि एक लिमिट है ना अपना पैसा लगाने की भी, अब आपको और बड़ा करना है तो आप जनता से पैसा अट्रैक्ट करते हो, तो जनता में प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने ऑपरेशंस के बारे में बताते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताते हैं, और फिर पब्लिक उनके शेयर्स खरीदता है, इसको बोलते हैं हम पब्लिक इशू। क्या लिखा है जी? रेजिंग ऑफ फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसी को हम बोलते हैं पब्लिक इशू। क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके? सबसे पहले एक्सेस टू कैपिटल, आपको सीधा सीधा पैसा मिलता है ग्रोथ के लिए, अपने कर्जे चुकाने के लिए, मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिए, और एक्विजिशन कैपिटल, आप अगर किसी को एक्वायर करना चाहते हो तो वहां पे भी आपकी मदद होगी, आपकी हेल्प मिलेगी आपको। अदर एडवांटेजेस और बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहली बात, आप मर्जर एक्विजिशन कर सकते हो क्योंकि इज्जत बढ़िया होगी आपकी, वैल्यूएशन हाई होगी, जिस कंपनी के पास फंड्स ज़्यादा होते हैं उसकी वैल्यूएशन हमेशा हाई होती है। प्रेस्टीज, आप एक ज़्यादा प्रेस्टीज वाली कंपनी कहलाओगे, क्योंकि यूजुअली प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं उनसे ज़्यादा प्रेस्टीज मानी जाती है पब्लिक कंपनीज की, जिन्होंने पब्लिक इशू करा होता है। और एम्प्लॉयज़ को भी आप ज़्यादा इंसेंटिव्स दे पाओगे, तो एम्प्लॉय टर्नओवर रुकेगा, आपका एम्प्लॉय इधर उधर चेंज नहीं होगा बार बार, टर्नओवर से बच जाओगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ IPO, व्हाट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर, किस प्रकार से करा जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स हम लोग को पढ़ने हैं, आइए ये पढ़ते हैं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है? बेसिकली जब आप जनता में अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना चाहते हैं और फंड रेज करना चाहते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ क्या, बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो इन्हें बड़े ध्यान से समझना, लेकिन आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्या क्या है। सबसे पहला, कंप्लायंस विद सेबी गाइडलाइंस। आपको सबसे पहले सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की गाइडलाइंस सारी की सारी पूरी करनी पड़ेगी, जितना भी पेपर वर्क है, जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं, जो भी गाइडलाइंस सेबी आपको प्रोवाइड कर रहा है आपको उनके साथ अदर करना पड़ेगा, आप सेबी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो पहला स्टेप होता है सेबी की गाइडलाइंस कंप्लाई करना। दूसरा, अगर आपने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, तो AOA में लिखा हुआ है, तो आपको एक जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी जिसमें आपको सभी का कंसेंट लेना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमें IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालना है। उसके बाद इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में
आप शेयर्स इशू करना चाहते हैं या लिस्टिंग करना चाहते हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन दो, इन्फॉर्मेशन दो कि हाँ ठीक है वी आर कमिंग अप फॉर एन IPO विद एन IPO। उसके बाद आपके जो भी नेसेसरी अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे कि आपका मर्चेंट बैंकर हो गया, आपका अगर कोई अंडरराइटर है, अगर कोई ब्रोकर है, तो आपको ये सब अपॉइंटमेंट्स पहले ही करने पड़ेंगे अच्छे से। ड्राफ्टिंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, फिर आप प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट कराओगे, उसमें लिखवाओगे सारी चीज़ें कि अगर आप प्रीमियम ले रहे हो, यानी आप अपना शेयर महंगे पे इशू कर रहे हो, तो उसका जस्टिफिकेशन दो किस बेसिस पे, क्यों, आपकी नेट एसेट्स वैल्यू कितनी है, आपका हाई और लो प्राइस क्या था लास्ट 2 मंथ्स में या 2 ईयर्स में, ठीक है। उसके बाद आप अप्रूव करवाते हो प्रॉस्पेक्टस को, ये सब के बाद आपका अप्रूवल होता है प्रॉस्पेक्टस का थ्रू योर लीगल एडवाइजर्स। लीगल एडवाइजर से हम लोग यूजुअली पूछते हैं कि ठीक है ना सब कुछ ओके आप कर दे। उसके बाद अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अप्रूव करते हैं सारी चीज़ें कि हाँ नेसेसरी फॉर्मेलिटी सब पूरी हो गई है, सब कुछ ओके चल रहा है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, फिर ये प्रॉस्पेक्टस का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है किसके पास, विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये सारा का सारा काम रजिस्ट्रार के पास होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, फिर आप स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन देते हो जिसके अंदर सारी डिटेल्स होती हैं, आपका अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन, अप्रूव्ड प्रॉस्पेक्टस, सारी पेपर वर्क, सारी फॉर्मेलिटीज, सब कुछ ओके कंसेंट के साथ यहाँ पे एप्लीकेशन देते हो। उसके बाद फिर प्रिंटिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉस्पेक्टस का, छपता है पब्लिक में जाने के लिए, ROC से तो पहले अप्रूव हो चुका है लेकिन अब जनता के लिए जा रहा है। देन अनाउंसमेंट करा जाता है, एडवर्टीजमेंट्स कराए जाते हैं अलग अलग, पब्लिक को पता नहीं लगेगा तो जनता पैसा कैसे लगाएगा, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन लिस्ट प्रिपेयर होता है, किस प्रकार से कितना कितना सब्सक्रिप्शन कैसे कैसे होगा, कौन प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग होगी, जनता को किस प्रकार से शेयर्स ऑफर कर जाएंगे, सारी चीज़ें। नया बैंक अकाउंट खुलेगा क्योंकि पैसा पब्लिक से आएगा तो कहाँ आएगा, एक नए बैंक अकाउंट में आएगा। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर सेबी गाइडलाइंस 90% होना ज़रूरी है, अगर 90% नहीं होता तो आपको रिफंड करना पड़ता है पैसा, तो 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जनता आपका कम से कम 90% शेयर खरीदे। फिर शेयर अलॉट करे जाते हैं जिन जिनको आपके जिस भी हिसाब से आप शेयर्स देना चाहते हो, क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, फुल सब्सक्रिप्शन भी होता है। यूजुअली जितने शेयर इशू करे गए हैं उससे ज़्यादा ही बिकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो अलॉट तो करने पड़ेंगे ना किसको कितने शेयर्स देने हैं प्रोराटा बेसिस पे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं 2 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 1 शेयर मिल रहा है या कितने मिल रहे हैं, ये प्रोराटा बेसिस पे अप्लाई करने पड़ते हैं, अलॉट करने पड़ते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन अगर है तो 10 वीक के अंदर अंदर सारा पैसा जो भी एक्स्ट्रा आया हुआ है वापस करना है। देन आपकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट बनती है विद इन 45 डेज ऑफ द क्लोजर, जब आपका इशू क्लोज हो जाता है तो एक कंप्लायंस रिपोर्ट बनती है जिसमें लिखा जाता है हमने सारी रेगुलैरिटीज, सारे रूल्स, सब कुछ कंप्लाई करा है, सब कुछ फुलफिल करा है, किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं है। इस प्रकार से आप शेयर इशू करते हो, काफ़ी बड़ा प्रोसीजर है, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स आप लोगों ने देख लिए। इसके बाद क्या आता है, अगर आप जनता में नहीं जाना चाहते हो, सही, अगर आप जनता में नहीं जाना चाहते हो तो आपके पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहले आपने पब्लिक इशू देख लिया, फिर राइट इशू होता है। राइट इशू किसको करते हैं, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करते हैं, उन लोगों को शेयर्स दिए जाते हैं जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं। मतलब हम इतने बड़े फॉर्मेलिटी से बचना चाहते हैं, इतना सब कुछ से बचना चाहते हैं, इतने खर्चे से बचना चाहते हैं, तो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोलते हैं यार आप ही खरीद लो ना। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अगर शेयर ऑफर करे जाते हैं तो उसको बोलते हैं राइट इशू। अगर वो कैंसिल कर देते हैं तो वो फिर फर्दर किसी और को दे सकते हैं प्रेफरेंशियल राइट के तौर पे। प्राइवेट प्लेसमेंट होता है एक फॉर्म। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, ना हम जनता में जाते हैं ना हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पे जाते हैं, हम कुछ अपने सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे देते हैं, हम कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देते हैं जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऑफर टू एम्प्लॉइज। ऑफर टू एम्प्लॉइज में क्या करना होता है, आपने शेयर्स अपने एम्प्लॉइज को दिए, वो भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ यार हमें भी ऑनरशिप मिल गई, स्टेक मिल गया। तो 4 तरीके हैं बेसिकली, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है पब्लिक इशू, इसी पे क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, प्राइवेट प्लेसमेंट कुछ सेलेक्टिव इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को, और ऑफर टू एम्प्लॉइज हमारे एम्प्लॉइज को। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करा, किसके बारे में, मार्केट्स के बारे में।
अब इस चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स एंड वेंचर कैपिटल। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल। मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ना, एंजल इन्वेस्टर एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है जो यूजुअली $1 million तक इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप में। ठीक है, एक एंजल इन्वेस्टर एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो यूजुअली नए स्टार्टअप में, हाई रिस्क वाले स्टार्टअप में पैसा लगाता है और उसको उम्मीद होती है कि मेरा पैसा बढ़ेगा, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है, इसको हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। वहीं पे एक वेंचर कैपिटल होता है जिसको हम VC बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट। ये क्या करता है, ये जनता का पैसा लेता है और इस पैसे को लगाता है स्टार्टअप्स में, क्योंकि इनके ना फंड मैनेजर्स होते हैं, इनके फंड मैनेजर्स होते हैं, वो इस पैसे को यहाँ स्टार्टअप्स में लगाते हैं। और ये बिल्कुल नए स्टार्टअप्स में पैसा नहीं लगाते, ये नए स्टार्टअप्स में पैसा नहीं लगाते, ये थोड़े से ऐसे स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं जो चले हुए होते हैं और यहाँ पे पैसा ज़्यादा मिल जाता है। तो शुरू में $1 million तक का पैसा चाहिए तो वो यहाँ तक चलता है, एंजल इन्वेस्टर कर देता है काम। बट ज़्यादा पैसा चाहिए, आपको चाहिए 50, 100, 200 करोड़, तो उस सिनेरियो में आपको जाना पड़ेगा वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ। ठीक है, अब अलग अलग राउंड्स होते हैं फंडिंग के, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो आप डिटेल में प्रैक्टिकल बहुत सारी जिंदगी पे बेस्ड, फाइनेंस पे बेस्ड बुक्स है उसमें पढ़ते हो, आपको क्लास 12th में तो बेसिक ही पढ़ाया जाता है। तो डिफरेंस समझ में आया, ये पूरा का पूरा यूजुअली ग्रुप होता है जो काम कर रहा होता है, जबकि एंजल इन्वेस्टर एक अकेला इंडिविजुअल होता है। चलो आओ देखें किताबों में लिखा क्या हुआ है, तुम्हें मतलब समझाना था मुझे। एंजल इन्वेस्टर इज एन एफ्लुएंट इंडिविजुअल, एक बड़ा जबरदस्त इंडिविजुअल है जो पैसा प्रोवाइड करता है फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप, यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर इक्विटी, इक्विटी चाहता है वो, स्टेक खरीदता है वो, और कन्वर्टेबल डेट, या फिर कन्वर्टेबल डेट, कन्वर्टेबल मतलब जो बाद में कन्वर्ट हो पाए इक्विटी में ही। क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके, दे आर करंट और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स, बिजनेस ऑनर्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये कौन होते हैं यूजुअली लोग, रिटायर्ड वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स जिनके पास नेटवर्क बड़ा ज़बरदस्त है और उन्हें नॉलेज है जो स्टार्टअप्स की मदद करेंगे ग्रो होने में, बड़ा होने में। सिर्फ पैसा नहीं लगाते, ज्ञान भी देते हैं, अपनी मदद भी करते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस एंड प्रोएक्टिव एडवाइस टू स्टार्टअप्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट ग्रेट कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाना, एंड दे एक्सपेक्ट हाई रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। कुछ टाइम के बाद ये लोग अपना स्टेक सेल आउट करके निकल जाते हैं और प्रॉफिट बना लेते हैं, समझे। अब आते हैं वेंचर कैपिटल या फिर रिस्क कैपिटल, इसको रिस्क कैपिटल भी बोलते हैं, वेंचर कैपिटल भी बोलते हैं। ये क्या है, इट इज एन इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट, ये यूजुअली इक्विटी बेस्ड ही होता है, यानी आपके शेयर्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, आपसे स्टेक लेंगे, इन अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्मॉल टू मीडियम बिजनेस। ये थोड़ा चला चलाया बिजनेस होता है, थोड़ा सा स्मॉल से मीडियम बिजनेस होता है, इन विच मोस्ट केसेस वुड नॉट क्वालिफाई फॉर बैंक लोन, जिन्हें लोन नहीं मिलेगा, इन रिटर्न फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग मांगते हैं बिजनेस की। ठीक है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, 7 साल 5 साल 8 साल 10 साल, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में जिनमें ग्रोथ दिखती है, इन्हें याद रखना ग्रोथ ओरिएंटेड एंजल इन्वेस्टर्स नए नए स्टार्टअप्स में करते हैं। ठीक है, हाई रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम होता है इनका, हाई रिस्क तो हाई रिटर्न होता है, कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्वमेंट रहता है इनका बिजनेस में, और वेंचर कैपिटल इंस्टीट्यूशंस डिसइन्वेस्ट, ये वही मैंने आपको बताया ना, 5 से 7 साल के अंदर ये डिसइन्वेस्ट कर देते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं, या तो प्रमोटर को ही बेच देते हैं या मार्केट में बेच देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं भाई अपना। अब आपको फंडिंग या वेंचर कैपिटल फाइनेंस कब देखना चाहिए, किस प्रकार से देखना चाहिए, तो देखो इसमें ना 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, मतलब आप शुरू में ही वेंचर कैपिटल की तरफ देख रहे हो, जो यूजुअली पॉसिबल नहीं होता, यूजुअली लोग सीड फंडिंग की तरफ जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स की तरफ जाते हैं, वेंचर कैपिटल थोड़ा कम चलता है बट है ऑप्शन, और लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग बाद में आता है। मतलब सबसे पहले तो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में अगर आप वेंचर कैपिटल को देख रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक आइडिया लेके जाना होगा एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म के पास, आप अपना आइडिया बताओ, वो लोग देखेंगे कि हाँ यार इस आइडिया में दम है या नहीं है, प्रॉपर सारा एनालिसिस होगा, ड्यू डिलीजेंस होगा, फंड मैनेजर्स होंगे, सब कुछ चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर लगेगा कि दम है फिर आपको पैसा मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं सीड कैपिटल फाइनेंस। सीड कैपिटल फाइनेंस बेसिकली बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे मिलता है, जहाँ पे आप रिसर्च ही कर रहे होते हो रिसर्च करने के लिए, फिर जब रिसर्च हो जाती है, धीरे धीरे रिसर्च हो गई, रिसर्च के बाद
अब आपको लगता है हमें और आगे बढ़ना चाहिए, अब आइडिया को धीरे धीरे शेप देनी चाहिए, मार्केट के बारे में पता करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि अब किस तरीके से अपने आइडिया को कन्वर्ट करा जाए गुड्स या सर्विसेज में और कैसे आप पैसा कमाने की सोच सकते हो इससे। फिर होता है आपका प्री स्टार्टअप या स्टार्टअप फाइनेंस, जिसमें आप पूरे बिजनेस प्लान को स्टडी करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट में जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो पूरी स्टडी करेंगे हर चीज़ को कि आपका बिजनेस आइडिया जो यहाँ पे था आपने क्या रिसर्च करी, क्या आपने नया सोचा, उसके बाद किस प्रकार से अब आप बिजनेस प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हो, किस प्रकार से आप ग्रो करना चाहते हो। देन फिर आप धीरे धीरे बढ़ते हो आगे और पैसा कमाने लगते हो, थोड़ा प्रॉफिट होने लगता है, कुछ पैसा बनने लगता है, फिर सेकेंड राउंड फंडिंग होती है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेल परचेज हो रहा होता है और अब आप एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन के बारे में सोच रहे होते हो कि अब एक्सपेंड करें अपना बिजनेस, ग्रो करें, दूसरी कंट्रीज में भी लेके जाएं, मॉडर्नाइज करें, नई टेक्नोलॉजी लेके आए। तो एक्सपेंशन मॉडर्नाइजेशन के लिए फिर आपका सेकंड राउंड फाइनेंसिंग होता है। एक बार हो गया, एक्सपेंशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बिजनेस दबा के आगे बढ़ रहा है, इसके बाद फिर आप बस लास्ट राउंड की तरफ चलते हो जिसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग। लास्ट स्टेज फाइनेंसिंग में आपका बिजनेस बस फटाफट से ग्रो हो जाता है और आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हो अपने बिजनेस के बारे में, अब फर्दर नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचने लगते हो। अब जो मकसद होता है वो होता है पब्लिक जाना, पब्लिक इशू पे जाना, और क्योंकि अभी क्या होता है कंपनी इतनी ज़्यादा मार्केट शेयर ले चुकी है, वो मर्जर्स के बारे में सोच सकती है, एक्विजिशंस के बारे में सोच सकती है, ये बिल्कुल लास्ट स्टेज है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो निकलना चाहते हैं, अपना स्टॉक बेच के, अपना पार्ट बेच के और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो लास्ट स्टेज ऑफ फंडिंग होता है और इस प्रकार से आपकी सारी की सारी फंडिंग का प्रोसेस चलता है। तो ये सब आप आराम से एक बार प्लीज़ अपनी बुक से गो थ्रू करेंगे, पूरा का पूरा मैंने आपको यूनिट पढ़ाया, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया और आपके पूरे 3 यूनिट्स कंप्लीट करे। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले देखो चैप्टर का नाम क्या है, बिजनेस अरिथमेटिक। क्या होता है बिजनेस अरिथमेटिक, व्हाट इज बिजनेस अरिथमेटिक, कुछ कैलकुलेशंस हैं जो बिजनेस की करनी पड़ती हैं, तो वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। देखो कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना है, कोई भी काम करना है, तो यू नीड 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल, 2 प्रकार की कैपिटल चाहिए। एक होती है फिक्स कैपिटल, जो बिजनेस के बिल्कुल शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको पैसा चाहिए सेटअप करने के लिए, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, यानी ये मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब खरीदने के लिए, फिर उनको मेंटेन करने के लिए डेली बेसिस पे फ्यूल लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इन सब के लिए आप जो कैपिटल यूज़ करते हो वो होता है वर्किंग कैपिटल। तो व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, द मनी नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। कितने प्रकार की वर्किंग कैपिटल होती है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। सर ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, ग्रॉस में आपको सभी करंट एसेट्स को जोड़ लेना है। सर करंट एसेट्स कौन से होते हैं, अब कॉमर्स वाले तो समझ जाएंगे बट अदर स्ट्रीम्स वाले जो बच्चे हैं उनको शायद प्रॉब्लम आए। करंट एसेट्स वो सभी एसेट्स होते हैं जो कैश में एक साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका कैश हो गया, आपका बैंक बैलेंस हो गया, आपके जितने भी चेक्स हो गए जो आपको मिले हैं, आपके डेटर्स जिनसे आपने पैसा लेना है, कोई बिल्स रिसीवेबल्स, इस तरीके की चीज़ें जो आपकी एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो सब करंट एसेट्स हैं। इन सब का टोटल अगर आप कर दोगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दो। सर करंट लाइबिलिटी क्या, वो ऑब्लिगेशंस जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, एक साल के अंदर अंदर पे करनी है, जैसे आपके क्रेडिटर, जैसे आपके बिल्स पेबल, जैसे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस तरीके की चीज़ें जो आपको एक साल के अंदर अंदर पे करनी है करंट लाइबिलिटी, जो पैसा लेना है वो करंट एसेट्स, सी ए माइनस सी एल कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नेटवर्किंग कैपिटल। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेटिंग साइकिल का। क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल, तो देखो बेसिकली ये आपको बस पता होना चाहिए ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, बहुत सिंपल है, पैसा लगाने से लेके पैसा आने तक का टाइम पीरियड ही ऑपरेटिंग साइकिल होता है। अगर मैं कुछ प्रोडक्शन करने वाला हूँ, सपोज मैं ये पेन बना रहा हूँ, तो मैं इस पेन का शुरुआत करूँगा रिसर्च से, R&D करूँगा, कहाँ से मुझे रॉ मटेरियल मिलेगा, सब शुरू हो जाएगा, खर्चा होना शुरू हो जाएगा, फिर रॉ मटेरियल आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, उसके बाद फिर क्या होगा, धीरे 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 ये बिकना शुरू होगा, कुछ उधार में बिकेगा, फिर पैसा वापस आएगा। तो पैसा लगने से पैसा आने तक के बीच का समय जो है ना, इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। सर ऑपरेटिंग साइकिल का वर्किंग कैपिटल से क्या रिलेशन है, देखो सीधी सी बात है, अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है तो आपका पैसा देर में वापस आता है, तो उस सिनेरियो में आपको खुद का पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो अगर
ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि आपका साइकिल बड़ा है तो पैसा देर में आता है। आप बिजनेस कैसे चलाओगे? पैसा तो बहुत टाइम में वापस आ रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा सा है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी कम चाहिए, पैसा आपके पास आ जाता है फटाफट, तो अपने पैसे की जरूरत ही नहीं है, समझे। अब सिमिलरली कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, माल लाके बेचता है, तो इसका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होता है तो इसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग है, ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस ज़्यादा होते हैं, समझे। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? व्हाट इज़ इन्वेंट्री कंट्रोल? इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ बेसिकली, देखो इन्वेंट्री है किसी भी चीज़ का स्टॉक, है ना। इन्वेंट्री क्या है? किसी भी चीज़ का स्टॉक। अब वो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है, सेमी फिनिश्ड हो सकता है, यानी बनना शुरू हो गया अभी बना नहीं है, कंज्यूमेबल हो सकता है, कुछ ऐसे गुड्स जो आप खुद कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेयर पार्ट्स हो सकते हैं, फिनिश गुड्स हो सकते हैं जो बन के तैयार है। तो अब इन्वेंट्री कंट्रोल में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे पास इतनी इन्वेंट्री हो या इस प्रकार का स्टॉक अवेलेबल हो कि जब भी कस्टमर मांगे तो हम रेडी हों उसको देने के लिए, हमारे पास कभी शॉर्टेज ना हो। तो एक अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट या इन्वेंट्री कंट्रोल ये बोलता है कि आप शॉर्ट ऑफ गुड्स ना रहो, जब डिमांड आए आपके पास अवेलेबिलिटी रहे। तो इन्वेंट्री कंट्रोल में आप दो चीज़ें कंसिडर करते हो, एक तो स्टॉक की जब भी रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए, प्रोवाइडिंग द स्टॉक एज एंड वेन नीडेड, और दूसरा स्टॉक टू बी प्रोक्योर्ड एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। आपके पास जो प्रोक्योरमेंट होना चाहिए जब आप खरीदो तो कम से कम खर्चे में खरीदो, ये क्लैरिटी आनी चाहिए। देन द थर्ड वन इज व्हाट आर द की टर्म्स? इन्वेंट्री कंट्रोल में कुछ की टर्म्स हैं। अब देखो इतना माल होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में पड़ा हुआ है, तो उस माल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कौन सा क्या माल है, कौन सा कब का खरीदा है, कब का बेचा है? तो हम लोग ना उस केस में अलग अलग कोड नंबर बना देते हैं माल के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड। स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड क्या होता है कि ईच एंड एवरी आइटम इज़ टू बी आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक कोड। हर आइटम को एक कोड से पहचाना जाएगा, जैसे इंसानों के नाम होते हैं वैसे हम स्टॉक का भी नाम रख देते हैं, कोड से पहचाना जाएगा जो उसकी कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स बताता है। जैसे हमने किसी कलर के नाम से कोड बना दिया, क्वांटिटी के नाम से बना दिया, उसके डाइमेंशंस के नाम से बना दिया, तो ये SKU कोड होता है। यानी हर आइटम को पहचानने के लिए कोड बनाया जाएगा, यूनिक कोड बनाया जाएगा, उसको SKU बोलते हैं। सिमिलरली एक होता है हमारे पास मोटले। मोटले में क्या होता है कि इन्वेंट्री इज बेसिकली अ मोटले मिक्स ऑफ हेट्रोजीनियस असेंबलेज, मतलब अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, स्टॉक अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। तो उस सिनेरियो में रॉ मटेरियल का हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, इन सबको अगर हम जोड़ दें तो हम उसको मोटले क्राउड बोलते हैं। तो आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि मोटले क्राउड क्या है, कि इन्वेंट्री को अलग अलग एस्पेक्ट से आने जाता है, उन सबका टोटल कर दो तो मोटले क्राउड कहलाता है, और SKU स्टॉक को पहचानने के लिए यूनिक कोड दिया जाता है उसके करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। इसके बाद वी हैव क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो आपको कंसिडर करने हैं इन इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो तो क्या सोच के करोगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास स्पेस, कि क्या जो आपका इन्वेंट्री है वो साइज़ में बहुत बड़ा तो नहीं है, तो उसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, खर्चा भी ज़्यादा होगा, इन्वेंट्री मैनेज करने में खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। और अगर छोटे छोटे यूनिट्स हैं तो वो आप इजीली मैनेज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। सिमिलरली वैल्यू क्या है उसकी, क्या वो बहुत एक्सपेंसिव है, क्या वो बहुत सस्ती सी चीज़ है, तो उसमें भी अलग अलग फैक्टर्स आपको सोचने पड़ते हैं। तीसरी चीज़ आती है शेल्फ़ लाइफ। शेल्फ़ लाइफ मतलब कि उसकी लाइफ कितनी है, कितना समय वो चलेगा, पेरिशेबल नेचर का है, जैसे फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होता है, तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है, तो ये बहुत खर्चा बढ़ाता है, सोच के चलना पड़ता है। सीजनैलिटी, अगर सीजनल प्रोडक्ट है तो उसका उस हिसाब से आपको स्टॉक मेंटेन करना होगा। गर्मी में कोई चीज़ बिकती है तो बननी तो वो सर्दी में शुरू हो जाएगी, क्योंकि एकदम डिमांड आती है उसकी, तो उस हिसाब से खर्चे। सिमिलरली ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस कोई ऐसी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी के साथ बदलती रहती है, पुरानी होती रहती है, तो वहाँ भी आपको सोच समझ के स्टोर करनी चाहिए कि पता नहीं कल रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वेंट्री कंट्रोल के टाइम पे आपको कंसिडर करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बड़ा सिंपल सी बात है यार। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैं क्या क्वांटिटी में ऑर्डर करूँ कि मुझे माल सस्ता पड़े, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करूँ माल सस्ता पड़े। इट इज़ द क्वांटिटी विच इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल टू ऑर्डर। क्या बेस्ट क्वांटिटी रही? अगर मैं ये टी शर्ट्स ऑर्डर कर रहा हूँ तो 200 मांगूँ, 300 मांगूँ, 500 मांगूँ, कितनी ऑर्डर करूँ कि मुझे सबसे सस्ती पड़े, बेस्ट क्या क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो क्या है हमारे पास?
इसी को हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें यही चेक कर रहे हैं बेसिकली कि सबसे सस्ता और बेस्ट ऑर्डर कौन सा पड़ रहा है। अब ये कैसे डिसाइड करें हम कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कैसे डिसाइड होगा, इस पर दो बेसिकली हम लोग चीज़ें चेक करते हैं। एक होती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, कितना ऑर्डर करोगे, और एक होती है कैरिंग कॉस्ट, उसको मेंटेन करने का क्या खर्चा आएगा। कैरिंग कॉस्ट में आता है जैसे इंश्योरेंस का खर्चा, स्टोरेज का क्या खर्चा आ रहा है, हैंडलिंग का क्या खर्चा आ रहा है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट में प्लेसमेंट कॉस्ट, ऑर्डर प्लेस करने का क्या खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा आएगा, गुड्स रिसीव होंगे तो फिर वो सारा इन्वेंट्री मैनेज करना क्या आएगा, इंस्पेक्शन होगा गुड्स का तो वहाँ क्या खर्चा आएगा, तो ये सब पता होना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, ऑर्डर साइज़ आपका बड़ा होता है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम पड़ती है, जितना बड़ा ऑर्डर उतना खर्चा कम। तो ये दोनों चीज़ें देख के, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के हिसाब से ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो कि क्या क्वांटिटी आपके लिए बेस्ट होगी, कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करूं जिसमें कम से कम खर्चा है इस या सस्ती से सस्ती पड़े, इसी को हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज ईओक्यू, पक्का एग्जाम में आएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, सावधान इंडिया सवाल की कैलकुलेट कैसे होता है, सीधा सीधा अंडर रूट ऑफ 2PD/C, याद रखना अंडर रूट ऑफ 2PD/C। पी क्या है, सीधा सीधा ऑर्डरिंग कॉस्ट, पी किसको मानते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आ रहा है। डी क्या है, डिमांड कितनी है यानी आप माल कितना बेचते हो। सी कैरिंग कॉस्ट कितना है इन्वेंट्री का, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि एनुअल मैं माल बेचता हूँ 1200 यूनिट, तो ये 1200 यूनिट क्या है, ये मेरी डिमांड है, डी आ गया 1200। उसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर का कॉस्ट क्या आता है, यानी ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, पी आ गया आपका 500 और कैरिंग कॉस्ट है 30, सी है 30। तो अगर आपको ये चीज़ दी हो और आप बताओ अब कि क्या आपके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रहेगा, तो सीधा फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2PD 2 × P × D डिवाइड बाय सी, ये फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। 500 × 2 is 1000 और 1000 × 12 1,200,000/30 सीधा सीधा आ जाएगा, ये 0 से 0 ख़त्म हो गया, 340000, ये आपके पास अंडर रूट ऑफ 40,000 यानी 200 यूनिट्स का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया कि आप 200 यूनिट्स प्लेस करो वो आपको बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तीन चीज़ें चाहिए आपको, क्या क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट चाहिए, एनुअल डिमांड चाहिए और आपका लास्ट में कैरिंग कॉस्ट चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बहुत मुश्किल से बोल पा रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज नेक्स्ट होती है हमारे पास, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या है सर। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज दो चीज़ें आपको एस्टिमेट करनी पड़ती हैं जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे होते हो कि आप कमा कितना रहे हो, प्रॉफिट्स कितना बना रहे हो। प्रॉफिट बनाने के लिए ऑल दो बहुत सारी रेशोज हो सकती हैं, बट हम लोग के सिलेबस में बस दो ही हैं, एक ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। दोनों में ही हम रिटर्न देख रहे हैं, रिटर्न का मतलब सर प्रॉफिट देख रहे हैं, लेकिन एक बार प्रॉफिट देख रहे हैं टोटल मैंने कितना इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, यानी ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, इसमें डेट भी होता है, इसमें इक्विटी भी होता है, मेरा पैसा भी प्लस कर्जा जो मैंने लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने 60,000 रुपये अपने लगाए हुए हैं और 40,000 का मैंने कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, सपोज़ मैंने ऐसे बोल दिया, तो टोटल 1,00,000 लग गया और नेट प्रॉफिट जो है मेरा वो 30,000 है। तो मैंने बोला नेट प्रॉफिट 30,000, पैसा लगा 1,00,000 × 100, तो 30% का ROI आ गया, ठीक है। और ROE क्या होता है, यहाँ पे हमें नेट इनकम यानी कि जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है माइनस योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना होता है कि आपने जब बोरो करा है तो उस पर कुछ ना कुछ तो पे करना होगा ना, इंटरेस्ट कुछ ना कुछ तो पे करोगे, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट हटाओ तो आपका ये नेट इनकम आता है। नेट इनकम डिवाइडेड बाय ओनली इक्विटी, यानी यहाँ पे आपको ये डेट वाला एलिमेंट नहीं लेना, ये नहीं लेना, ओनली इक्विटी, ठीक हो गया। ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरी नेट इनकम जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट करके 30,000 आ गई, डिवाइड बाय इक्विटी है 60,000 × 100,
ठीक है, तो ये सीधा सीधा इस तरीके से 50% आ जाएगा। ये मैंने वैसे हाइपोथेटिकल फिगर्स लिए हैं, ऐसा सच कोई फिक्स्ड फिगर्स नहीं है, ये याद रखना, ये मैंने वैसे ही ले लिए। तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसमें आप क्या करते हो, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, सीधा सीधा। और ROE आपको चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से खर्चे हटाओ, इंटरेस्ट हटाओ, इंटरेस्ट हटा के नेट इनकम आ जाएगा डिवाइडेड बाय ओनली इक्विटी। यहाँ डेट नहीं लेना, यहाँ पे आपको डेट नहीं लेना, ओनली इक्विटी। तो नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100, आपको बस ये पार्ट लेना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। अब देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ इक्विटी पे बेस्ड है, तो दिस इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, और ये टोटल पे बेस्ड है, तो दिस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। तो दिस इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। और इस पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो कि क्या ROI और क्या ROE। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, टोटल कैपिटल, और यहाँ पे नेट इनकम जो कैसे निकलेगी, ऑपरेटिंग माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी इनटू 100। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए इस पूरे चैप्टर में, और पूरा यूनिट में यही सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपकी बची हुई थी, बाकी कुछ चीज़ें टर्म वन में आ गई थी। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी और आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, और अपना बेस्ट दे के आना और बहुत अच्छा स्कोर करके आना। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।